हाँ भाई, हैप्पी इवनिंग। आज हम क्या स्टार्ट करेंगे? IUPAC नेमिंग। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट भी यही है, और अभी तक तीन लेक्चर में जो हमने पढ़ा है, एक तो सबसे पहला लेक्चर जिसमें ऑर्गेनिक के बेसिक पढ़े थे, वहां से एक क्वेश्चन की उम्मीद है। दूसरा, इसके अलावा सेकंड लेक्चर में हमने जो नॉर्मल आइसोनियो सिस्टम पढ़ा था, या बेंजाइल, ऑर्थोटोलिल वगैरह, मतलब मेन तो बेंजाइल, बेंजल, बेंजो, ये वाला इंपॉर्टेंट है। और थर्ड लेक्चर में ओनली कॉमन नेमिंग आपको पढ़ना है। ठीक, इतना काफी है। बाकी अभी IUPAC में जो हम पढ़ेंगे, इसमें तीन लेक्चर लगेंगे, तीन के तीन इंपॉर्टेंट है। करें फिर स्टार्ट। बट सबसे पहले टुडेज थॉट लिखो भाई, आज का विचार। ग्रेटिट्यूड इज द मदर ऑफ ग्रेटनेस, यानी अगर आपको ग्रेट बनना है, देन प्रैक्टिस ग्रेटिट्यूड। जितने महान लोग हुए हैं, उनकी महानता कितनी बड़ी हुई है, वो इस बात पे डिपेंड करता है कि उन्होंने कितना ज्यादा ग्रेटिट्यूड प्रैक्टिस किया है। आप जितना ज्यादा ग्रेटिट्यूड प्रैक्टिस करेंगे, आप उतने ही आगे बढ़ेंगे। मैं एक एग्जांपल आपको पहले भी दे चुका हूं, आइंस्टीन दिन में 1000 बार थैंक यू बोलते थे। इसका मतलब ये नहीं है भाई वो एक घंटा बैठ गए, अब थैंक यू थैंक यू थैंक यू, एक दो तीन चार पांच थैंक यू, छह थैंक यू, सात, ऐसे नहीं। मतलब जैसे मान लीजिए उनके ड्राइवर ने उनको ड्रॉप किया, थैंक यू गॉड मेरा ड्राइवर बहुत अच्छा है, थैंक यू गॉड मेरी गाड़ी बहुत अच्छी है, बिल्कुल सेफ मुझे लेके आई है। ऐसे किसी ने उनको पानी दिया, थैंक यू गॉड मेरे लिए पानी लेके आए हैं भगवान, थैंक यू गॉड आप इनके हेल्थ अच्छा रखे। इस टाइप से 1000 बार थैंक यू बोलते थे दिन में, 1000 बार। इसका मतलब ये नहीं कि पूरा 1000 बार, कहने का मतलब ये कि इससे ज्यादा बार। ठीक, तो ऐसे ही आप भी अगर थैंकफुल रहेंगे, आप ग्रेटिट्यूड प्रैक्टिस करेंगे, डेफिनेटली आप भी आइंस्टीन की तरह महान इंसान बनेंगे। और ग्रेटिट्यूड कैसे प्रैक्टिस करना है, मैं आपको पहले ही बता चुका हूं। जैसे फॉर एग्जाम्पल, अगर आप ब्रेड खाते हैं, तो आपके प्लेट में जो ब्रेड का पीस है, वो उस ब्रेड के पीस को आप नॉर्मली खा लेते हैं। क्या कभी आपने सोचा है कि वो ब्रेड का पीस जो आपके प्लेट में आया है, उसके पीछे कितने लोगों का योगदान है? सोचा कभी? वो ब्रेड का पीस आपके प्लेट में आ, सर मैं तो शॉपकीपर से लाया था, थैंक यू दैट, थैंक यू बोलो शॉपकीपर को। उसके बाद भाई वो शॉपकीपर के पास कहां से आया होगा? फैक्ट्री से आया। फैक्ट्री में कितने लोगों ने काम किया होगा, है ना? बहुत सारे लोगों ने काम किया होगा। और फैक्ट्री में भी कैसा बना होगा? गेहूं आया होगा खेत से। खेत में गेहूं किसने उगाया? किसान ने उगाया, तो थैंक यू बोला आपने किसान को। किसान ने गेहूं कैसे उगाया? वो मार्केट से बीज लेके आया। बीज किसने बनाया? फैक्ट्री ने बनाया। फैक्ट्री में कितने इंजीनियर, कितने साइंटिस्ट और कितने लेबर ने, कितने लोगों ने काम किया। ठीक, तो वो बीज वहां पे उगाया, फिर उसके बाद उसमें फर्टिलाइजर भी डाला गया, तो फर्टिलाइजर कहां से आया? फैक्ट्री में। फैक्ट्री में कितने लोगों ने काम किया? फिर जब वो बीज डाल दिया, फर्टिलाइजर डाल दिया, उसके बाद उसमें पानी दिया गया, सिंचाई की गई खेत की, तो पानी कहां से आया? कैनाल से आया या नलकूप से आया? नलकूप के लिए पाइप वगैरह किसने बनाई? फैक्ट्री ने बनाई। फैक्ट्री में कितने लोगों ने काम किया? नहर किसने बनाई? बहुत सारे लोगों ने मिलकर बनाई। हो सकता है आपके गांव में जो नहर जा रही है, वो बहुत साल पहले बनाई गई हो, कुछ लोग तो मर भी चुके होंगे जिन्होंने नहर बनाई थी, तो क्या आपने उन लोगों को थैंक यू बोला क्या? देखो, आपके पास एक ब्रेड का पीस आया, इसमें कितने ज्यादा लोगों का योगदान है, तो हमें इस लेवल के लिए थैंकफुल होना चाहिए। हम जाते हैं ऐसे ही मौज मस्ती करते हैं, मौसम बहुत अच्छा है, हरे भरे पेड़ पौधे हैं, क्या आपने कभी सोचा ये जो पेड़ पौधे फ्री में आपको ऑक्सीजन दे रहे हैं, इसको थैंक यू बोलना चाहिए? नहीं सोचा। सोचना चाहिए, बोलना चाहिए थैंक यू मन ही मन। और जब हम थैंक यू बोलेंगे, इतनी शिद्दत से बोलना है, ना कि आप ओनली मन से,
ना कि ओनली आप मुंह से, ना कि ओनली आप दिल से, बल्कि आपके बॉडी की हर सेल थैंक यू बोले। इस लेवल का ग्रेटिट्यूड जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो आप ज्यादा पॉजिटिव रहेंगे, फोकस्ड रहेंगे, एनर्जेटिक रहेंगे, आपकी कंसिस्टेंसी, डिसिप्लिन, डेडिकेशन सब कुछ अच्छा होगा। और जब सब कुछ अच्छा होगा तो आप अच्छे डॉक्टर बनेंगे। समझे कि नहीं समझे? तो आपको ग्रेटिट्यूड प्रैक्टिस करना चाहिए। आप सिर्फ एक काम करो, एक वीक तक जिस टाइप का ग्रेटिट्यूड मैंने बोला है इस टाइप का ग्रेटिट्यूड प्रैक्टिस करके देखो, फिर इस वीक के बाद आपकी एनर्जी देखना, आपकी पढ़ाई का लेवल देखना। ठीक, करें फिर लेक्चर स्टार्ट। ठीक, इस वीक में कौन कौन प्रैक्टिस करेगा ग्रेटिट्यूड? वेरी गुड। आधे लोग तो ऐसे ही हाथ नहीं उठा रहे, बताया टाइम पास करता है, पढ़ने आते, पढ़ाया कर क्या ये ज्ञान व्यान? ज्ञान हमें थोड़ा है क्या? हम रील देखते, रील में बहुत ज्ञान, इससे अच्छा अच्छा नॉलेज हमारे पास है, क्यों भाइयों? चलो कोई बात नहीं, माफ कर दो, कुछ लोग मेरे को फॉलो करते इसलिए बता देता हूं। किसी को अगर बुरा लगे 10 मिनट लेट आ जाया करो लेक्चर स्टार्ट होने के बाद, है ना? नेक्स्ट, चलो करते हैं स्टार्ट। आईयूपीएससी नेमिंग, आईयूपीएससी नेमिंग में आईयूपीएससी की फुल फॉर्म क्या बताओ? आईयूपीएससी नेमिंग कब कब एस्टेब्लिश किया गया था? ये हमारे पैदा होने से पहले किया गया था। हमें क्या मतलब है? क्यों? इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, उन्नीस सौ उन्नीस में एस्टेब्लिश किया गया था। ठीक है, अब इसका काम क्या है? जैसे केमिस्ट्री में कोई भी डेवलपमेंट होगा, केमिस्ट्री में कोई भी नई चीज आएगी, उसको अप्रूव कौन करेगा? आईयूपीएससी करेगा। ये आईयूपीएससी का काम। ठीक है भाई, नेक्स्ट, इसके बाद क्या आएगा? आईयूपीएससी नेम, आईयूपीएससी नेम के तीन पार्ट होते हैं। आईयूपीएससी नेम के कितने पार्ट है? तीन पार्ट है आईयूपीएससी नेम। ठीक, इसके कितने पार्ट है? थ्री पार्ट्स। कौन सा कौन सा? प्रीफिक्स, वर्ड रूट और सफिक्स। ठीक, सबसे पहले प्रीफिक्स लिखा जाता है, देन वर्ड रूट, देन सफिक्स। जैसे अगर मैं अपना नेम लिखूं मिस्टर सुनील नैन, तो मिस्टर क्या हो गया? प्रीफिक्स। सुनील क्या हो जाएगा इस फॉर्मेट में? वर्ड रूट, और नैन इज सफिक्स। समझे कि नहीं समझे? तो आप लिख लो, इसके तीन पार्ट है, कौन सा? प्रीफिक्स, प्रीफिक्स, दूसरा बीच वाला है वर्ड रूट, एंड थर्ड वन इज सफिक्स। ठीक, अब देखो प्रीफिक्स और सफिक्स फर्दर दो टाइप के होते हैं, प्राइमरी एंड सेकेंडरी, यानी प्राइमरी प्रीफिक्स, सेकेंडरी प्रीफिक्स। मतलब प्राइमरी प्रीफिक्स, सेकेंडरी प्रीफिक्स और प्राइमरी सफिक्स, सेकेंडरी सफिक्स। लिख लो, इसको आप 1 डिग्री प्रीफिक्स भी बोल देते हैं, ऐसे, है ना, और इसको 2 डिग्री प्रीफिक्स। और इसके दो पार्ट होते हैं, कौन सा? प्राइमरी सफिक्स एंड सेकेंडरी सफिक्स। क्या हो गया, कुछ गलती कर दी क्या? बोलो, सेकेंडरी सफिक्स, सेकेंडरी सफिक्स, 2 डिग्री सफिक्स। ठीक है भाई, ये टेबल बना लो, फिर इसके बाद करें। अच्छा, ओ सेकेंडरी, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता ना, दो पार्ट है, वो लिखते टाइम सही लिखवा दूंगा ना मैं, वो मैं लिखवाता हूं फॉर्मेट, किस फॉर्मेट में लिखा जाता है ना। ठीक, एक बार लिख लो आप इनको, किसी को कोई डाउट नहीं है तो आगे बढ़ जाऊं? आगे बढ़ जाए क्या? नेक्स्ट, अब देखो, अब हम लिखते टाइम कैसे लिखेंगे, जैसे पहले प्रीफिक्स आएगा, बीच में वर्ड रूट, फिर सफिक्स,
अब प्रीफिक्स भी दो टाइप का होता है, एक तो सेकेंडरी फिर प्राइमरी। पहले सेकेंडरी लिखा जाएगा फिर प्राइमरी, ठीक, फिर उसके बाद वर्ड रूट आ जाएगा, देन सफिक्स। सफिक्स में प्राइमरी सफिक्स पहले आएगा, सेकेंडरी बाद में आएगा। बोलो कोई डाउट? तो अब लिख देता हूं मैं एक बार, जैसे ये फॉर्मेट बनेगा हमारा, कौन सा फॉर्मेट बनेगा भाई? पहले लिखा जाएगा सेकेंडरी प्रीफिक्स, सेकेंडरी प्रीफिक्स। इसको मान लीजिए मैं ब्रैकेट में से लिखा, 2 डिग्री होता है ये, ठीक। फिर कौन आएगा? प्राइमरी प्रीफिक्स, इसको मान लीजिए मैं बोलता हूं ये 1 डिग्री है, ठीक। फिर क्या आएगा? वर्ड रूट, देन प्राइमरी सफिक्स, ये इसके ब्रैकेट में 1 डिग्री लिख दो, ऐसे लिख दो ना, 2 डिग्री पी है ना, 2 डिग्री पी, 1 डिग्री पी, अरे उससे फर्क भी नहीं पड़ता है, कुछ भी लिख दो यार, 2 डिग्री पी, 1 डिग्री पी, इसको लिख दो 1 डिग्री एस है ना, और 2 डिग्री एस, ठीक, सेकेंडरी सफिक्स। ठीक, सबसे पहले तो हमें यही याद करना होता है कि इनको किस फॉर्मेट में लिखा जाएगा। मैं पता कैसे याद करता हूं, देखो प्रीफिक्स में सेकेंडरी पहले आ रहा है फिर प्राइमरी बाद में आ रहा है, और सफिक्स में प्राइमरी पहले सेकेंडरी बाद में। मैं ऐसे याद कर लेता हूं, वर्ड रूट को मैंने 0 मान लिया, और 0 से राइट साइड में +1 +2, प्राइमरी सेकेंडरी, और इसे लेफ्ट में -1 -2, सेकेंडरी प्रीफिक्स प्राइमरी प्रीफिक्स, वर्ड रूट 0, प्राइमरी सफिक्स सेकेंडरी प्रीफिक्स। मतलब याद रखने का बहाना और कोई लॉजिक तो है नहीं इसमें, समझे कि नहीं समझे? अगर आपसे कोई पूछे कि क्या फॉर्मेट होता है बता दोगे? मतलब इतनी बेसिक चीजें पता होनी चाहिए, वैसे याद रहता सबको, कोई पूछेगा तो नहीं कुछ भी, लेकिन फिर भी सिखाने के लिए, ठीक। अब नेक्स्ट देखो, अब सेकेंडरी प्रीफिक्स का काम क्या है पहले समझ लो, फिर मेरे साथ साथ लिख लेना, इससे टाइम बच जाएगा। सेकेंडरी प्रीफिक्स यूज किया जाता है सब्स्टिट्यूएंट के लिए। अब सब्स्टिट्यूएंट क्या होता है वो मैं आपको बता देता हूं। जैसे मान लीजिए हमारी ये कार्बन चेन है, ठीक, कार्बन चेन में ये तो हो गया हमारा फंक्शनल ग्रुप, मान लीजिए ये पूरी चेन हो गई। अब चेन के अलावा मान लीजिए यहां पे Cl लगा, Br लगा, ये किस ये क्या कहलाएंगे? दे आर कॉल्ड सब्स्टिट्यूएंट। तो सब्स्टिट्यूएंट के लिए सेकेंडरी प्रीफिक्स यूज किया जाता है, और जब भी हम सेकेंडरी प्रीफिक्स लिखेंगे अगर एक से ज्यादा सब्स्टिट्यूएंट है उनको हमेशा अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिखा जाता है। बोलो कोई डाउट? नहीं है। फिर उसके बाद आएगा प्राइमरी प्रीफिक्स। अच्छा जैसे ये है ब्रोमो और क्लोरो, किसको पहले लिखोगे? ब्रोमो को, फिर क्लोरो को, समझ गए? नेक्स्ट प्राइमरी प्रीफिक्स यूज किया जाता है साइक्लो कंपाउंड, साइक्लिक कंपाउंड के लिए, और इसका प्रीफिक्स क्या होता है? साइक्लो, ठीक। यानी ये ओपन चेन में प्राइमरी प्रीफिक्स नहीं आएगा, सिर्फ कौन से कंपाउंड में आएगा? जो साइक्लिक होते हैं, ठीक। नेक्स्ट आता है वर्ड रूट। वर्ड रूट हमें बताएगा टोटल नंबर ऑफ कार्बन इन प्रिंसिपल कार्बन चेन, जिसको हम और क्या बोलते हैं? पेरेंट कार्बन चेन भी कहते हैं, सिंपली शॉर्ट में पीसीसी बोलते हैं। बोलो कोई डाउट है क्या? समझा? तो यहां पे अगर हम मान लीजिए हमारी मेन चेन में सिर्फ एक कार्बन है, उसके लिए यूज करेंगे मिथ, 2 कार्बन के लिए इथ, 3 के लिए प्रोप, 4 के लिए ब्यूट, 5 के लिए पेंट, 6 के लिए हेग्ज, 7 के लिए हैप, 8 के लिए ऑक्ट, 9 के लिए नॉन, 10 के लिए डेक, 11 के लिए अनडेक, 12 के लिए डूडेक, और 20 के लिए आईकोस, ICOS, आईकोस, और 30 कार्बन होंगे तो ट्राइकोट। वैसे इतना आता नहीं, 6-7 कार्बन तक याद होना चाहिए, काफी काम तक आपका काम चल जाएगा, ज्यादा से ज्यादा 10 कार्बन तक कर लो, ठीक। फिर प्राइमरी सफिक्स, प्राइमरी सफिक्स हमें यह बताएगा कि कंपाउंड सैचुरेटेड है या अनसैचुरेटेड है। अगर सैचुरेटेड है यानी एल्केन है, उसमें कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड नहीं है, ओनली सिंगल बॉन्ड है, देन एन प्राइमरी सफिक्स इज यूज्ड, एन। और अगर डबल बॉन्ड है तो इन, और ट्रिपल बॉन्ड है तो आइन, और 2 डबल बॉन्ड है तो डाई इन, 2 और 2 ट्रिपल बॉन्ड है तो डाई आइन, और डबल बॉन्ड भी है ट्रिपल बॉन्ड भी है तो इन आइन। और अगर मान लीजिए बस अगर 3 है तो ट्राइन, वो कर ही लोगे, ठीक। अच्छा इसके बाद, अच्छा जब हम इन और आइन लिखेंगे ना, इन आइन को ये बीच वाला इन ही लिखते हैं ना, ये ई हटा देते हैं यहां से,
ऐसे लिखा जाता है, ठीक, वो आपको नेमिंग लिखते टाइम समझ में आ जाएगा। सफिक्स देखो, सेकेंडरी सफिक्स ये बताएगा कि आपका प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप कौन सा है। जैसे एक सी डब्ल्यू एच है तो उसके लिए ओइक एसिड यूज करते हैं, सी एच ओ तो उसके लिए अल, ओ एच है तो उसके लिए ओएल, ओल, ठीक, एनएच टू तो अमाइन, इस टाइप से उनके टेबल भी बना लेंगे। बोलो कोई डाउट है क्या, समझ आया इतना, करें स्टार्ट। तो मेरे साथ साथ लिख लो, सेकेंडरी प्रीफिक्स लिखो, यूज्ड फॉर सब्स्टिट्यूएंट, यूज्ड फॉर सब्स्टिट्यूएंट, और इसमें क्या लिखेंगे, सब्स्टिट्यूएंट, सब्स्टिट्यूएंट्स आर रिटन इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर, अल्फाबेटिकल ऑर्डर साथ के साथ लिख लो अब, है ना। जैसे एग्जाम्पल, ब्रोमीन को पहले ब्रोमीन अथवा ब्रोमो लिखेंगे, ठीक है, ब्रोमो। क्लोरीन के लिए क्या लिखते हैं, क्लोरो, ये बाद में आएगा अगर दोनों साथ आ जाए, और साथ में नाइट्रो भी है, ये इनसे भी बाद में आएगा क्योंकि अल्फाबेटिकली ये बाद में आता है। और आर अल्काइल ग्रुप के लिए कुछ भी यूज हो सकता है, जैसे मिथाइल इथाइल, वो डिपेंड करेगा अल्काइल ग्रुप आपने कौन सा लिया है। नेक्स्ट, प्राइमरी प्रीफिक्स इज यूज्ड फॉर, यूज्ड इन केस ऑफ साइक्लिक कंपाउंड, साइक्लिक कंपाउंड के लिए यूज किया जाता है, और प्रीफिक्स क्या रहता है इसका, साइक्लो। बोलो कोई डाउट है क्या, ठीक। वर्ड रूट टेल्स टोटल नंबर ऑफ कार्बन इन प्रिंसिपल या पेरेंट कार्बन चेन, जिसको शॉर्ट में हम क्या बोल देते हैं, पीसीसी, ठीक है भाई। करें स्टार्ट हम, अगर एक कार्बन तो उसके लिए क्या यूज करोगे, मिथ, दो कार्बन के लिए एथ, तीन कार्बन के लिए प्रोप, चार कार्बन के लिए ब्यूट, पांच कार्बन के लिए पेंट, छह कार्बन के लिए हेग्ज, सात कार्बन के लिए हेप्ट, आठ कार्बन के लिए ओट, ओक्ट, नौ कार्बन के लिए नॉन, दस कार्बन के लिए डेक, और ग्यारह कार्बन के लिए अनडेक, और बारह कार्बन के लिए डूडेक, और डॉट डॉट करके ऐसे लिखना, बीस कार्बन के लिए, तीस कार्बन के लिए। ट्वेंटी कार्बन के लिए आइकोस, और थर्टी कार्बन के लिए ट्राइकोन, ठीक है भाई। अब आ जाओ प्राइमरी सफिक्स पे, किसके लिए यूज किया जाता है, टेल्स, टेल्स वेदर कंपाउंड इज सैचुरेटेड, वेदर कंपाउंड इज सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड, बताओ भाई इसमें क्या लिखेंगे। अगर कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड है तो एन प्रीफिक्स यूज, सफिक्स यूज करेंगे, डबल बॉन्ड है तो इन, ट्रिपल बॉन्ड है तो आइन, और दो डबल बॉन्ड है तो डाई इन, तीन ट्रिपल बॉन्ड है तो, डबल बॉन्ड है तो ट्राई इन, और दो डबल बॉन्ड है तो, सॉरी दो ट्रिपल बॉन्ड है तो डाई आइन, कर लोगे ना ऐसे, और कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड भी है और ट्रिपल बॉन्ड भी है तो इन आइन, ई हटा देना इन का लास्ट वाला। सेकेंडरी सफिक्स टेल्स अबाउट, टेल्स अबाउट प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप, प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप दैट इज, इसको शॉर्ट में बार बार मैं लिखूंगा पीएफजी। जैसे सी डब्ल्यू एच के लिए क्या यूज करते हैं, ओइक एसिड, और OH के लिए, सॉरी CHO के लिए अल, OH के लिए ओल,
NH2 के लिए अमाइन। लो भाई एक बार इनको लिख लो, फिर इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। फास्ट फास्ट लिख लो, और अगर किसी को कोई डाउट है ऑफलाइन ऑनलाइन पूछ लो। लिख लिया भाई सभी ने, आगे बढ़ जाए। नेक्स्ट देखो इसके बाद क्या आएगा, बोलो। ऐसे कैसे लिख लिया, टेबल बनानी थी ना जैसे मैंने बनाई, टेबल नहीं बनी। चलो जैसे लिखो। नेक्स्ट अब देखो, ये तो हमने लिख लिया कि प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप को हम सफिक्स लिखेंगे। अब आप मुझे एक बात बताओ, अगर मान लीजिए ये क्वेश्चन आ गया COOH CHOOH NH2, अब इसमें कितने फंक्शनल ग्रुप है? आप एल्ड इस ओइक एसिड लिखोगे या अल लिखोगे या ओल लिखोगे या अमाइन लिखोगे, क्या लिखे हम लोग? तो हम क्या करेंगे, अगर एक से ज्यादा फंक्शनल ग्रुप है उनमें से एक को प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप कंसीडर करेंगे। क्योंकि देखो साइंटिस्ट के सामने सबसे पहले प्रॉब्लम ये आई, भाई इस कंपाउंड को क्या बोला जाए, अमाइन बोले, अल्कोहल बोले, एल्डिहाइड बोले या एसिड बोले। भाई कोई कंपाउंड एक ही चीज होगा ना, या तो एसिड होगा या अल्कोहल होगा या एल्डिहाइड होगा, ऐसे होगा, सारी चीजें कैसे हो सकता है एक साथ, नहीं समझे? तो बोला आप एक काम करो, इनमें से ना किसी एक को मेन फंक्शनल ग्रुप प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप सिलेक्ट कर लो और वही मानो। जैसे फिर कैसे माना गया, फिर साइंटिस्ट ने एक टेबल बना दी और प्रायोरिटी डिसाइड कर दी, अगर ये वाला फंक्शनल ग्रुप है सबसे ज्यादा प्रायोरिटी इसकी है, अगर जैसे सबसे ज्यादा टॉप प्रायोरिटी में आता है उस टेबल में COOH, तो ये क्या हो गया कंपाउंड, एसिड हो गया। तो इसको आप एल्कोहल एल्डिहाइड या अमाइन नहीं बोलेंगे, दिस कंपाउंड इज एसिड, और यही आपका क्या हो जाएगा, सेकेंडरी सफिक्स हो जाएगा। बोलो कोई डाउट है क्या, समझ आया कि नहीं? फिर ये बाकी किसका काम करेंगे, ये आपका सब्स्टिट्यूएंट का काम करेगा, ये आपका सब्स्टिट्यूएंट का काम करेगा, और ये भी सब्स्टिट्यूएंट का काम करेंगे। समझ आया कि नहीं? बोलो कोई डाउट तो है क्या भाई? देखो अब हम एक टेबल बनाएंगे जो प्रायोरिटी टेबल होगी, जैसे सबसे पहले COOH आता है, फिर SO3H, फिर एनहाइड्राइड, फिर अब एस्टर, फिर आपका एसिड हैलाइड आता है, अमाइड, साइनाइड, आइसोसाइनाइड, फिर एल्डिहाइड, कीटोन, अल्कोहल, थायो अल्कोहल और अमाइन। ये होती है प्रायोरिटी टेबल। तो हम प्रायोरिटी टेबल तो बनाएंगे ही बनाएंगे, साथ के साथ ये भी लिख लेंगे कि अगर कोई प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप का काम कर रहा है उसके लिए सफिक्स क्या लिखा जाए, ठीक, और अगर कोई प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप का काम नहीं कर रहा, सब्स्टिट्यूएंट का काम कर रहा है, तो उसके लिए प्रीफिक्स क्या लिखा जाए। तो वो टेबल अब हम बना रहे हैं, ठीक है भाई। और कई बार तो ऐसा होता है, जैसे ये है CHO है, ठीक, अब इसके पास कार्बन है, तो इसका कार्बन तो मेन चेन में इंक्लूड होगा ही नहीं, ठीक, तो इसके लिए प्रीफिक्स क्या यूज करेंगे, है ना। या कई बार ऐसा भी होता है कार्बन मेन चेन में इंक्लूड है, वो प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप का काम कर रहा है। कुछ केस ऐसे भी बनते हैं प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप भी है फिर भी उसका कार्बन प्रिंसिपल कार्बन चेन में नहीं है। आप बोलेंगे सर ऐसा कैसे पॉसिबल है, वो मैं आपको बताऊंगा, लेकिन टेबल में एक बार नाम लिखना सीख लो, फिर अभी साथ के साथ समझाता हूं, पहले आप लिखो एक बार, एक मिनट में समझ में आ जाएगा जो अभी मैंने बोला। प्रायोरिटी टेबल, प्रायोरिटी ऑर्डर लिख लो, प्रायोरिटी ऑर्डर, और एक लाइन लिख लेना, सबसे पहले ब्रैकेट ये लिख लो, इफ कार्बन ऑफ प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप इज प्रेजेंट, ओ सॉरी, इफ कार्बन इन ब्रैकेट मीन्स इट इज इंक्लूडेड इन प्रिंसिपल कार्बन चेन। बस आप एक बार ये लिख लो, है ना, ठीक है। पीसीसी का मतलब समझते हो ना, पेरेंट कार्बन चेन बोल दो या प्रिंसिपल कार्बन चेन बोल दो, करो स्टार्ट। अब सबसे पहले टेबल कैसे लिखेंगे, मैं यहां पे लिखूंगा फंक्शनल ग्रुप, फिर यहां पे लिखूंगा कि अगर मान लीजिए वो प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप नहीं है, वो सब्स्टिट्यूएंट काम कर रहा है, तो उसके लिए प्रीफिक्स क्या यूज करेंगे, फिर देन उसके लिए सफिक्स क्या यूज होगा, ठीक। अब देखो सबसे पहले सबसे ज्यादा प्रायोरिटी होती है COOH की, किसकी, COOH की। अब मान लीजिए मैं इसको यहां पे ब्रैकेट में लिख देता हूं टेबल में, तो इसका मतलब क्या है,
कार्बन ऑफ COOH इज इंक्लूडेड इन प्रिंसिपल कार्बन चेन, तो इस केस में सब्स्टिट्यूएंट का काम तो नहीं करेगा, किसका काम करेगा? प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप का। तो प्रीफिक्स तो कुछ भी नहीं लिखा जाएगा, क्या लिखेंगे? सफिक्स। सफिक्स क्या आएगा इसका? ओइक एसिड। अब मुझे ये बताओ, कल आपने क्या लिखा था कॉमन नेम में, क्या लिख रहे थे? ईक एसिड। लेकिन यहां पे क्या है? ओइक एसिड। डिफरेंस समझ में आया? अब सेकंड केस, ये भी तो पॉसिबिलिटी है भाई, COOH आपका प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप भी है, फिर भी इसका कार्बन चेन में इंक्लूड नहीं है। अब आप बोलेंगे सर ऐसा कैसे पॉसिबल हो सकता है? मेनली साइक्लिक कंपाउंड में ऐसा होता है, जैसे ये है साइक्लोहेक्सेन पे COOH लग जाए, अब बताइए आप कौन सी चेन होगी? प्रिंसिपल कार्बन चेन ये होती है इस केस में, ये मैं आपको सिखाऊंगा लास्ट लेक्चर में। तो प्रिंसिपल कार्बन चेन ये है, लेकिन ये कंपाउंड क्या है ये बताओ? कार्बोक्सिलिक एसिड तो है, यानी अभी भी प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप कौन है? COOH। लेकिन क्या उसका कार्बन चेन में इंक्लूड है? नहीं है। तो उस केस में सफिक्स क्या लिखेंगे? उस केस में सफिक्स लिखा जाता है कार्बोक्सिलिक एसिड। तो इसका नेम पता क्या होगा? साइक्लोहेक्सेन कार्बोक्सिलिक एसिड। ओइक एसिड लिखते तो चेन में होता, तब लिखते ना, अब हम क्या लिख रहे हैं? कार्बोक्सिलिक एसिड। इसका मतलब ये चेन में नहीं है, तो यहां पे लिख दूंगा कार्बोक्सिलिक एसिड। एग्जाम्पल अभी मत लिखना, एग्जाम्पल मैं आपको कराऊंगा, अभी मैं टेबल समझा रहा हूं टेबल का मीनिंग क्या है, ठीक। और अब मान लीजिए ये चेन में भी नहीं है और ये सब्स्टिट्यूएंट का काम कर रहा है। देखो टॉप प्रायोरिटी वाला भी सब्स्टिट्यूएंट का काम कर सकता है, ये एग्जाम्पल कल कराऊंगा मैं आपको। तो उस केस में इसके लिए यूज किया जाता है प्रीफिक्स कार्बोक्सी। कब यूज करते हैं? कल बता दूंगा, अभी छोड़ दो इसको, अभी तो बस लिख लो, ठीक। सेकेंड SO3H अगर ये मेन फंक्शनल ग्रुप है तो सफिक्स यूज किया जाएगा सल्फोनिक एसिड, और अगर ये मेन फंक्शनल ग्रुप नहीं है ये किसका काम करेगा? सब्स्टिट्यूएंट का। कब करेगा ये सब्स्टिट्यूएंट का काम? जब मान लीजिए यहां पे ये कंपाउंड है, इसमें COOH भी है, SO3H भी है, तो अब ये हो गया ना प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप, मेन फंक्शनल ग्रुप, तो ये किसका काम करेगा? सब्स्टिट्यूएंट का। सब्स्टिट्यूएंट के लिए क्या लिखेंगे? प्रीफिक्स। तो इसका प्रीफिक्स क्या होता है SO3H का? सल्फो। बोलो कोई डाउट है क्या? नहीं समझे? तीसरा क्या आएगा? तीसरा आता आपका एनहाइड्राइड, है ना। अब एनहाइड्राइड के दोनों कार्बन बीच में आएंगे चेन के, खुद ही देख लो ना, अरे इधर भी कुछ ना कुछ जुड़ेगा, इधर भी कुछ ना कुछ जुड़ेगा, तो दोनों कार्बन हमेशा चेन में आएंगे, तो ये प्रीफिक्स का काम कभी करता ही नहीं है, ठीक। हमेशा किसका करेगा? करेगा तो सफिक्स का। और सफिक्स क्या लिखते हैं इसके लिए? एक एनहाइड्राइड तो कल लिखा था, आज क्या लिखेंगे? ओइक एनहाइड्राइड, ओइक एनहाइड्राइड। नंबर चार, नंबर चार आता है आपका एस्टर। एस्टर में जब कार्बन चेन में इंक्लूड है तो किसका काम करेगा? प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप का काम करेगा। तो प्रीफिक्स तो कुछ नहीं लिखना, सफिक्स बताओ क्या लिखा जाएगा? सफिक्स क्या लिखते हैं? देखो जब भी आपका एस्टर ग्रुप प्रेजेंट है तो सबसे पहले लिखा जाएगा एल्काइल ग्रुप। एल्काइल ग्रुप लिख दिया, फिर एल्काइल ग्रुप के बाद पता क्या होगा? जैसे आप नेमिंग करते आए ना, पहले सेकेंडरी प्रीफिक्स, फिर प्राइमरी प्रीफिक्स, फिर वर्ड रूट, फिर आपका प्राइमरी सफिक्स, और फिर OH लास्ट में आएगा, OH सेकेंडरी प्रीफिक्स, सॉरी सेकेंडरी सफिक्स। समझा? ठीक। एल्काइल ग्रुप, ये कौन सा ग्रुप है? मिथाइल इथाइल जो भी लगा, सबसे पहले ये, फिर इधर मेन चेन जो होगी ना उसके जो सब्स्टिट्यूएंट वगैरह लगे होंगे वो लिखे जाएंगे। समझ आया कि नहीं? नंबर ऑफ कार्बन कितने वो लिखे जाएंगे। अब मान लीजिए एस्टर ग्रुप है बट इसका कार्बन चेन में इंक्लूड नहीं है और ये खुद फंक्शनल ग्रुप का ही काम कर रहा है, तो क्या करेंगे? ये प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप है, फिर इसका सफिक्स क्या लिखा जाएगा? बोलो, कार्बोक्सिलेट। क्या लिखेंगे? कार्बोक्सिलेट। समझा कैसे? अरे जैसे ये आ गया, मान लीजिए यार ऐसे आ गया, ये आ गया, ये हो गई आपकी मेन चेन, तो ठीक। अब ये चेन में इंक्लूड थोड़ा इसका कार्बन, तो आप इसको लिखोगे मिथाइल, देन प्रिंसिपल कार्बन चेन कितने की है? छह की, कोई सब्स्टिट्यूएंट नहीं लगा, आप लिखोगे साइक्लोहेक्सेन कार्बोक्सिलेट। समझ आया कि नहीं? ऐसे क्वेश्चन एक आध बार एग्जाम में आए हैं, खासकर IIT में, ठीक। अब मान लीजिए यहां पे इसका चेन में इंक्लूड नहीं है और कोई और ज्यादा प्रायोरिटी वाला फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है, तो ये किसका काम करेगा? सब्स्टिट्यूएंट का। जब ये सब्स्टिट्यूएंट का काम करेगा, इसके लिए प्रीफिक्स क्या यूज करेंगे? एल्कोक्सी कार्बोनिल या
कार्बोनिल ऑक्सी, क्या लिखेंगे, दो यूज किए जाते हैं इसके लिए, एल्कोक्सी कार्बोनिल या कार्बोनिल ऑक्सी, यही यूज करते हैं ना, नहीं समझे। अब ये कब कौन सा यूज किया जाएगा, कल मैं एक एग्जांपल करा दूंगा, वैसे इतना डिटेल में नीट में ना तो आज तक आया ना कभी आएगा, कोचिंग वाले कराते हैं वो भी मैं फिर भी करा दूंगा आपको, ठीक। ये भी मैं बता दूंगा कब क्या यूज करना, कल होगा ये एग्जाम्पल के तौर पर, ठीक। अभी तो बस आप एक बार लिख लो, और डाउट है तो डाउट पूछ लो भाई। लिख लिया तो आगे बढ़ जाए भाई, ठीक। तो आपको पता क्या करना है, ये चार एक साथ याद करो, ये प्रायोरिटी ऑर्डर आएगा, और आपको ये बोल दिया जाता है फर्स्ट डे क्लास में आते ही कि ये प्रायोरिटी टेबल है, इसको एक साफ साफ एक पेज पे लिखना, स्टडी टेबल के सामने चिपकाना, और कभी मत देखना। देखा आपने आज तक उसको, किसी ने चिपकाई होगी, आप उसको कभी भी नहीं पढ़ते हो, जो स्टडी टेबल के सामने चिपका होता है हम उसको कभी भी नहीं पढ़ते हैं, और किसी ने पढ़ा हो तो बता दो, और किसी ने पढ़ा हो और पेपर में क्वेश्चन आया हो और आप सोल्व कर पाए हो तो बता दो। तो जो काम होता ही नहीं, क्यों फालतू आपने टेबल बनाई फिर उसको चिपकाया, क्यों टाइम वेस्ट करते हो, इस टेबल को याद नहीं करना है, ये क्या लिख रहा हूं मैं याद नहीं करना, क्यों, क्योंकि हम क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, क्वेश्चन प्रैक्टिस के दौरान सारे याद हो जाएंगे। याद क्या करना है, इनका सीक्वेंस क्या है, कर लोगे इतना तो, बस इनका सीक्वेंस कर लो, इधर वाली चीजें मैं आपको अपने आप आपको याद करा दूंगा। और बड़ी बात, पेपर में जो क्वेश्चन आएगा ना इतना डिटेल में आएगा भी नहीं, इधर जो लिखवा रहे हैं इजी क्वेश्चन आते हैं, आप लास्ट थर्ड ईयर के क्वेश्चन उठा के देखो किसी भी एग्जाम को, जो ये रटवाया जाता है इतना टफ इतना आता भी नहीं है, जितना आता है वो टेबल देख देख के क्वेश्चन सोल्व करना, अपने आप याद हो जाएगा। बात समझ में आई कि नहीं आई, ठीक। नेक्स्ट, कुछ भी नहीं चिपकाना टेबल, स्टडी टेबल के सामने बिल्कुल साफ सुथरा रखो, ठीक, ताकि टाइम भी वेस्ट ना हो और दिमाग में फालतू की चीजें ना आए उसको देख के। डर लगता है जो चीजें आप स्टडी टेबल के सामने चिपकाते हो उनको देख देख के, टाइम वेस्ट करते हो। नेक्स्ट, फिफ्थ बोलो, बी प्रैक्टिकल दोस्तों। नेक्स्ट क्या आएगा, एसिड हैलाइड, एसिड हैलाइड का अगर कार्बन चेन में इंक्लूड है तो प्रीफिक्स तो कुछ नहीं आएगा। अब ये सफिक्स मेन फंक्शनल ग्रुप का काम करेगा, तो सफिक्स क्या होता है इसका, ऑयल हैलाइड। कल क्या लिखा था, वाईएल हैलाइड, आज ऑयल हैलाइड, ऑयल क्लोराइड, ऑयल ब्रोमाइड, ऐसे है ना जो भी प्रेजेंट है, कर लोगे भाई। नेक्स्ट, अगर चेन में इंक्लूड नहीं है तो इसका क्या लिखा जाएगा, जब मेन फंक्शनल ग्रुप होगा तो, मेन फंक्शनल ग्रुप होगा, सफिक्स पूछ रहा हूं, क्या लिखा जाएगा, कार्बोनिल हैलाइड, क्या लिखेंगे, कार्बोनिल हैलाइड, कार्बोनिल हैलाइड तो हो गया सफिक्स जब प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप है। पता क्यों हुआ कार्बोनिल हैलाइड, देखो दिस ग्रुप इज नोन एज कार्बोनिल, CO इज नोन एज कार्बोनिल एंड X इज हैलाइड, कार्बोनिल हैलाइड। नेक्स्ट, इसके बाद यहां पे क्या लिखा जाएगा, हेलोफॉर्माइल है ना, जैसे क्लोरोफॉर्माइल, ब्रोमोफॉर्माइल है ना, ये कभी आएगा ही नहीं एग्जाम में, कभी देखा हो आपने ऐसा स्ट्रक्चर, एक आध एग्जाम्पल मैं करवा दूंगा ताकि आपका रिविजन हो जाए, बट एग्जाम में बहुत इजी जी क्वेश्चन आते हैं, एग्जाम में कैसे क्वेश्चन आते हैं आज लास्ट के 15 मिनट में कराऊंगा। नेक्स्ट देखो, CONH2 अमाइड, अमाइड का कार्बन चेन में है तो प्रीफिक्स तो कुछ नहीं होगा, सफिक्स बताओ क्या होगा, सफिक्स बताओ इसका है अमाइड, क्या सफिक्स होगा, कुछ नहीं, अमाइड बस। नेक्स्ट, CONH2 का कार्बन चेन में नहीं है तब क्या होगा, सफिक्स, मेन फंक्शनल ग्रुप है ये, कार्बोक्सामाइड, क्या होता है, कार्बोक्सामाइड, कैसे, जैसे ये है वही अपना एक ही एग्जांपल अपने पास, ये देखो प्रिंसिपल कार्बन चेन कौन सी, साइकिल वाली, साइक्लोहेक्जेन, कार्बोक्सामाइड, समझ आया कि नहीं, हाँ कर लोगे ऐसे। नेक्स्ट, और अगर मान लीजिए दूसरा प्रायोरिटी वाला फंक्शनल ग्रुप, ज्यादा प्रायोरिटी वाला फंक्शनल ग्रुप, तो किसका काम करेगा ये, सब्स्टिट्यूएंट का, प्रीफिक्स क्या लिखेंगे इसके लिए, कार्बामोइल, कार्बामोइल। नेक्स्ट, सेवंथ, साइनाइड, साइनाइड का कार्बन चेन में इंक्लूड है तो प्रीफिक्स तो कुछ नहीं है, सफिक्स बताओ, नाइट्राइल, साइनाइड क्यों बोल रहे हो, सफिक्स पूछ रहा हूं मैं, जब प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप होगा नाइट्राइल, देखो कल क्या लिखा था आपने, ओ नाइट्राइल, और आज
नाइट ट्रायल, कॉमन नेमिंग में जो था उसका उल्टा कर दिया इसने, कुछ नहीं किया। नेक्स्ट, साइनाइड का कार्बन चेन में नहीं है तब ये खुद प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप है, क्या लिखेंगे इसके लिए सफिक्स? कार्बोनाइट्राइल, क्या लिखेंगे? कार्बोनाइट्राइल, ठीक है। और अगर मान लीजिए कोई ज्यादा प्रायोरिटी वाला फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है, देन इसके लिए सफिक्स क्या यूज किया, प्रीफिक्स क्या यूज करेंगे? सब्स्टिट्यूएंट का काम करेगा ना, साइनो, क्या यूज करेंगे? साइनो। बोलो कोई डाउट है क्या? नेक्स्ट, एट्थ इज आइसोसाइनाइड, यहां पे इसका प्रिंसिपल कार्बन चेन में कार्बन इंक्लूड है तो प्रीफिक्स तो कुछ नहीं है, सफिक्स बताओ जल्दी से, बोलो। आइसोनाइट्राइल इसमें क्या है भाई? अरे आइसोसाइनाइड का आइसोनाइट्राइल, और जब इसका कार्बन चेन में इंक्लूड नहीं है तो फिर क्या यूज करेंगे बताओ? आइसोकार्बोनाइट्राइल या कार्बो आइसोनाइट्राइल? कार्बिल अमाइन, क्या यूज करते हैं? कार्बाइल अमाइन। ऐसा क्यों यूज करते हैं? क्योंकि ये देखो, सुनो मेरी बात, एक रिएक्शन पढ़ाऊंगा, एक बार बस देख लो, लिखना मत। RNH2 की रिएक्शन, प्राइमरी अमीन की रिएक्शन जब क्लोरोफॉर्म के साथ कराई जाती है इन प्रेजेंस ऑफ एल्कोहलिक KOH, देन इट फॉर्म आइसोसाइनाइड, सफोकेटिंग ऑर्डर होता है, आइसोसाइनाइड की स्मेल आती है, ठीक। This is known as isocyanide test, or this is also known as Hofmann. Hofmann bromide है ये. Hofmann carbyl amine reaction. क्या नाम है इसका? Hofmann carbyl amine reaction. तो इसलिए इसको क्या बोलते हैं? इसको carbyl amine use करते हैं. समझे कि नहीं समझे? कुछ भी बोल देते हैं यार. मुंह भगवान ने दिया, इसका मतलब ये नहीं कि खोलो और कुछ भी बक दो. सोच समझ के. गजब के सोते रहते हो भाई. इधर, और ये जब सब्स्टिट्यूएंट होगा तो आइसोसाइनो। बोलो कोई डाउट है क्या? नहीं है ना, अपने आप से पूछता रहता हूं, ठीक है। लिख लिया? Yes, आगे बढ़ जाऊं फिर? Yes, लिखो फास्ट फास्ट लिखो, किसी बाकी है क्या? फास्ट लिखो फिर, फास्ट लिखो। लिख लिया भाई सभी ने? Yes, आगे बढ़ जाऊं? Yes, नेक्स्ट। अब इसके बाद कौन सा आएगा? नाइन्थ नंबर, एल्डिहाइड। एल्डिहाइड जब आएगा ना तो एल्डिहाइड का कार्बन चेन में है तो इसके लिए सफिक्स तो यूज किया जाता है अल। क्या यूज किया जाता है? ए एल, अल। और इसको एज ए प्रीफिक्स भी यूज कर लेते हैं, कार्बन चेन में इंक्लूड भी है। जैसे ज्यादा प्रायोरिटी वाला है, मान लीजिए जैसे ये सी डब्ल्यू एच आ गया और यहां पर सी एच ओ है, तो इसमें ना ये चेन बनेगी। और कब इसको चेन में इंक्लूड करेंगे, कब नहीं करेंगे, तो मैं आपको आगे बता दूंगा। लेकिन इसका चेन कार्बन चेन में इंक्लूड हो सकता है जब ये सब्स्टिट्यूएंट का काम कर रहा है तब भी। अब इस केस में तो इंक्लूड होगा, अगर ये चेन ऐसी होती तो इस केस में इंक्लूड नहीं होगा। सर ऐसे कैसे पता चलेगा? ये मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में सिखाऊंगा, अभी तो बस आप ये लिख लो, अगर कार्बन चेन में है और ये खुद सब्स्टिट्यूएंट का काम कर रहा है देन प्रीफिक्स यूज्ड इज ऑक्सो, ऑक्सो। और अगर मान लीजिए चेन में नहीं है तो उस टाइम पे इसका सफिक्स तो यूज करेंगे क्या? कार्बाइल्डिहाइड। और चेन में नहीं है, सब्स्टिट्यूएंट का काम करेगा फॉर्माइल, ठीक। चेन में नहीं है और सब्स्टिट्यूएंट का काम कर रहा है, प्रीफिक्स फॉर्माइल, ठीक। नेक्स्ट, टेंथ इज कीटो। भाई कीटो में तो सब जानते हैं कार्बन हमेशा बीच में आएगा तो चेन में आएगा ही आएगा, तो इसके लिए सफिक्स यूज किया जाता है ओन, ओ एन ई, कीटोन का ओन। और प्रीफिक्स का काम कर रहा होता ये ऑक्सो यूज करते हैं या कीटो यूज करते हैं, ठीक। नेक्स्ट, इलेवेंथ नंबर पे अब आएगा ओएच। ओएच का क्या यूज करेंगे अल्कोहल के लिए सफिक्स जब खुद प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप है? ओल, ओ एल। और अगर मान लीजिए अदर ज्यादा प्रायोरिटी वाला फंक्शनल ग्रुप है तो ये प्रीफिक्स सब्स्टिट्यूएंट का काम करेगा हाइड्रोक्सी। और इसके बाद एक आता है एसएच। थायो अल्कोहल के लिए यूज करते हैं सफिक्स थायोल। और इसका प्राइमरी, इसके जब सब्स्टिट्यूएंट का काम करेगा प्रीफिक्स यूज होगा मरकैप्टो, ठीक। एसएच का कभी आज तक किसी भी एग्जाम में नहीं पूछा दुनिया में, पूरी दुनिया में हम पढ़ाते हैं कोटा वाला, कोटा
अच्छा कोटा वाले, कोटा वाले एग्जाम तो भाई इंटरनेशनल लेवल है ना, मतलब ये तो अलग लेवल, उससे भी ऊपर के एग्जाम है। लेकिन नीट एम्स जेई मेंस ऐसे एग्जाम्स में नहीं आ, फिर भी याद करना है एस एच, ये थायो एल्कोहल है इसलिए थायोल, एस एच के लिए प्रीफिक्स मर्क कैप्टो बिकॉज इट इज कैप्चर्ड बाई मरकरी, ये रिएक्शन आएगी आगे मैं बता दूंगा, ठीक अभी बस कैप्चर्ड बाई मरकरी इज कॉल्ड मर कैप्टो, ठीक। नेक्स्ट 13th NH2 सफिक्स इज यूज्ड एज अमाइन एंड प्रीफिक्स इज यूज्ड एज अमीनो, ठीक है भाई बस कितने करने हैं। और जो OR है ना OR, ये इसको हम फंक्शनल ग्रुप में काउंट नहीं करते, ठीक। अब एक क्वेश्चन, कई बार सिंपल क्वेश्चन एग्जाम में आ जाए, मान लीजिए वेरी सिंपल, एग्जामिनर का मूड है भाई, खूब जोर लगाया होगा यूपीएससी पे, है ना, बल्ला मैं हल्का क्वेश्चन पूछना चाहता हूं, ले पूछ ले हमारे बच्चों से तो कुछ भी पूछ, सी एच ओ ये एन एच टू ये ओ एच, ये पूछ ले एग्जामिनर इसमें कितने फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है कंपाउंड में, एन एच टू ओ एच सी एच ओ सी डब्ल ओ एच, चार फंक्शनल ग्रुप है, ठीक चार फंक्शनल ग्रुप है, और प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप कौन है, सी डब्ल ओ एच इज प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप, कर लोगे ना ऐसे पहचान जाओगे, बोलो कोई डाउट है क्या। अगर मान लो सी डब्ल ओ एच नहीं होता फिर प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप कौन होता, सी एच ओ, अगर ये दोनों नहीं होते फिर ओ एच, और ये भी नहीं होता फिर एन एच टू, समझ गए ना प्रायोरिटी ऑर्डर का मतलब क्या है, बोलो कोई डाउट है क्या। अब सुनो मेरी बात, आपको ये टेबल में प्रीफिक्स सफिक्स क्या है, कब कार्बन चेन में इंक्लूड है, तब क्या यूज करेंगे, क्या कैसे यूज करना है, इसको रटने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जब हम क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे अपने आप याद हो जाएगा, बोलो कोई डाउट है क्या। बस आपको प्रायोरिटी टेबल अच्छे से याद होनी चाहिए, क्योंकि डायरेक्ट एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जो फंक्शनल ग्रुप की प्रायोरिटी टेबल है यूपीएससी की, ये आपको अच्छे से याद होनी चाहिए, क्योंकि यहां से एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है, क्योंकि एनसीईआरटी में भी गिवन है, समझे कि नहीं समझे। तो प्रायोरिटी टेबल को याद करना बहुत आसान है, टोटल 13 फंक्शनल ग्रुप है, कैसे याद करोगे, एक साथ याद करोगे भूल जाओगे, टुकड़ों में याद करो, पहले चार फिर नेक्स्ट चार फिर लास्ट के पांच। तो सबसे पहले चार में नंबर वन कार्बोक्सिलिक एसिड सी डब्ल्यू एच, देन एसओ थ्री एच, फिर एनहाइड्राइड, देन एस्टर, पहले चार हो गए। अब नेक्स्ट अगले चार, पांचवें नंबर में कौन आएगा, एसिड हैलाइड, देन अमाइड, देन साइनाइड, देन आइसोसाइनाइड, आठ हो गए। अब नेक्स्ट पांच, पहला नंबर कौन सा, मतलब नाइन्थ नंबर, एल्डिहाइड, कीटोन, एल्कोहल, थायो एल्कोहल, अमाइन, हो गए याद। बस इतना याद करना प्रायोरिटी टेबल में, ये जो आप याद करोगे ना प्रीफिक्स सफिक्स क्या यूज करते हैं, ज्यादा रटने की जरूरत नहीं है, क्वेश्चन प्रैक्टिस से अपने आप हो जाएगा। आपको ये 13 की प्रायोरिटी ऑर्डर याद हुआ या नहीं हुआ, बस ये बता दो, हो गया याद, इसको लिखो फिर आगे बढ़ेंगे। समझ आ रहा ना भाई ऑनलाइन वालों को भी, किसी को कोई डाउट है तो पूछ लो, आगे बढ़ जाऊं भाई, बोलो। नेक्स्ट देखो, अब क्या करेंगे हम लोग, नेक्स्ट ये हो गया आपके प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप। अब कई बार जो सब्स्टिट्यूएंट आता है उसके लिए किसके लिए क्या प्रीफिक्स यूज करेंगे, तो ये हम लिख लेते हैं, यहां पे लिख लो आप सब्स्टिट्यूएंट एंड देन उसके लिए प्रीफिक्स क्या यूज करेंगे। सबसे पहले कौन सा लिखें, बोलो, OH, OH का लिखवाई दिया वैसे हाइड्रोक्सी, NH2 का अमीनो, और बताओ कोई, R, R जैसे ये अल्काइल ग्रुप है, इसके लिए अल्काइल यूज करेंगे। अब अल्काइल कौन सा, ये तो आएगा नहीं, ऐसे आएगा, मान लीजिए मिथाइल ग्रुप आपका सब्स्टिट्यूएंट है, तो इसके लिए क्या यूज करेंगे, मिथाइल, वेरी गुड, और अगर इथाइल है तो इथाइल, और फिर नेक्स्ट प्रोपाइल ब्यूटाइल, कर लोगे ऐसे, ठीक। नेक्स्ट इसके बाद मान लीजिए यहां पे एनओ एक्स प्रेजेंट है, एक्स इज हेलो, जैसे क्लोरो ब्रोमो आयोडो इस टाइप से, ठीक, और अगर एनओ टू ग्रुप प्रेजेंट है तो नाइट्रो, सबसे ज्यादा यही यूज होंगे, इसके अलावा और कोई यूज भी नहीं होगा। पहली बात आपका काम हो गया, इतना सा काफी है, ठीक है। अब नेक्स्ट देखो, कोचिंग में जो टेस्ट देना है अगर किसी को, उसके लिए बता रहा हूं, NO2 के अलावा ONO क्या हो जाएगा, ये नाइट्राइट हो जाएगा ना,
ठीक, और एनओ आ गया तो नाइट्रोशो, फिर इसके बाद और बोलो कौन सा है, एल्कोक्सी। ये अगर ओ आर लिखा है जैसे इसके, इसको एल्कोक्सी बोलते हैं। ये देखो ये फंक्शनल ग्रुप नहीं है, ये सब्स्टिट्यूएंट का काम करेगा। जैसे ओ आर में मान लीजिए यहां पे ओ सी एस थ्री आ गया तो कौन सा एल्काइल ग्रुप है, मिथाइल, देन इट इज कॉल्ड मिथोक्सी। और अगर मान लीजिए ये है ओ सी एच टू सी एस थ्री, देन इट इज नोन एज इथोक्सी। बोलो कोई डाउट है क्या, समझा? इसमें ये दो कभी कभी यूज किए जा सकते हैं, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये चार है, ठीक। अब बोलो कोई डाउट है क्या, और आगे बढ़ जाऊं? एक थोड़े से ना आपने कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट देखे होंगे जिसमें दो दो लग रहे होंगे, जैसे मान लीजिए ये आ गया, एक बार सुन लो, एक साथ लिख लेना, एक बार रुक जाओ बस। ये अब इसको क्या लिखा जाए, बोलो। क्या लिखेंगे इसको, जैसे मान लीजिए ये लगा हुआ है, अगर मान लीजिए यहां पे ये लगा होता मिथाइल, ये सी डब्ल्यू एच है, मान लीजिए ये होता तो आप ऐसे करते 1 2 3 4 5, तीन पे मिथाइल लगा, थ्री मिथाइल पेंट एन, कोई कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड नहीं है, पेंटेनोइक एसिड, ऐसे लिख देते। मैं बोल रहा हूं ये तो ऐसे है, अब क्या लिखोगे? अब इसको पता क्या लिखा जाता है, थ्री क्लोरोमिथाइल, क्या क्लोरोमिथाइल, और फिर पेंटेनोइक एसिड, ठीक है, समझ आया कि नहीं? आ कुछ बच्चे क्या करते हैं, मिथाइल क्लोरो लिख देते हैं, अभी आवाज आई थी ना यहां से, कुछ मिथाइल क्लोरो लिख देते हैं ना, वो नहीं करना है। क्यों नहीं करना है? बोला सर हमें पेपर में कैसे याद रहेगा क्लोरो मिथाइल है या मिथाइल क्लोरो है, यही दिक्कत ना, क्या आएगा पहले? नहीं, ये अल्फाबेटिकल वाला नहीं है। इसमें आप एक बात बताओ, ये जो पांच कार्बन की चेन है इससे कौन जुड़ा है, क्लोरीन जुड़ा है या मिथाइल ग्रुप जुड़ा है, मिथाइल, तो फिर पेंटेन में जो पांच कार्बन की चेन है उसके कौन चिपकेगा, क्लोरीन क्लोरो या मिथाइल, समझ आया कि नहीं? आ भाई चेन से जो जुड़ा वही तो चेन के साथ लिखा जाएगा, नहीं समझे? ठीक, तो इसको क्या कहते हैं, क्लोरो मिथाइल, या यूं बोल दो चेन से जो दूर है, चेन से जो दूर हो वो पहले लिखा जाएगा, चेन से दूर कौन था, क्लोरो, तो क्लोरो मिथाइल लिख दिया, ऐसे भी याद रख सकते हो। बाकी जो सही कॉन्सेप्ट वो जो मैंने सिखाया, क्लोरो मिथाइल, और इससे ही बढ़िया कॉन्सेप्ट बताऊं एग्जाम में कभी भी नहीं आएगा, कोचिंग वाले पूछते हैं, बिल्कुल अपने टेस्ट में भी नहीं आएगा। मैंने अगर ये बोल दिया ना कि एग्जाम में नहीं आएगा तो बीट में बीवाइज के केयर टेस्ट में भी नहीं आएगा, ये नोट कर लो, ठीक। क्लोरो मिथाइल, फिर भी थोड़ी नॉलेज तो होनी चाहिए ना, कोई बाहर बकवास करे तुम बताओगे ना बीवाइज में पढ़ रहे, बोला ऐसा ही वाइज है क्या, क्या बीवाइज है, ऐसे कुछ भी बोल देगा ना, तो थोड़ा सा ना ज्ञान बांटने के लिए होनी चाहिए थोड़ी बकवास अपने पास। देखो दिस इज, इसको क्या बोलेंगे फिर, मिथाइल अमीनो या अमीनो मिथाइल, वेरी गुड, अब समझ गए, जो दूर है वो पहले अमीनो मिथाइल, जो चेन से दूर है वो पहले, और सी एच टू ओ एच आ गया, इसको हाइड्रोक्सी मिथाइल, हाइड्रोक्सी मिथाइल, और बोलो भाई कौन सा है। अगर ऐसा आ गया सी ओ, एक सेकेंड, ओ सी ओ, यहां पे एच आ गया मान लीजिए, इसमें कौन जुड़ा है साथ में, चेन, चेन से कौन जुड़ा, इधर आएगी ना चेन, कौन जुड़ा है, ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन आएगा बाद में, ऑक्सीजन बाद में आएगा, तो वो था ना एल्केनोइल ऑक्सी, मिथेनोइल, मिथेनोइल ऑक्सी, देखो ऑक्सीजन बाद में आया कि नहीं आया, क्योंकि वो, अरे इधर चेन आएगी ना ऐसे, जो भी चेन आएगी कौन जुड़ा चेन से, ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन बाद में लिखा जाएगा, और जो चेन से दूर है एक कार्बन का, एक कार्बन का मिथेन नहीं है वो, मिथेनोइल है, क्योंकि वो सी डबल बॉन्ड ओ है, नहीं समझे यार? अब देखो अगर ये दो कार्बन का आ गया तो ये कितना है, ये अब दो कार्बन का इथेनोइल है, और कौन जुड़ा, ऑक्सीजन, इथेनोइल ऑक्सी, समझते नहीं हो यार आप, नींद तो नहीं आ रही ना, वेरी गुड। और ये क्या है, ये पता क्या, दिस इज कॉल्ड बेंजीनोइल, बेंजीनोइल ही तो बोलते हैं, और क्या बोलते हैं, बेंजोइल, क्या बोलते हैं,
बेंजोइल या बेंजिनोइल? बेंजोइल ऑक्सी, बेंजोइल ऑक्सी, ठीक कर लोगे ऐसे? समझ आ गई नहीं आप? ठीक कर लेंगे भाई सारे अच्छे से। और कोई बचा है क्या इसमें जो पिछले साल करा रखा हो किसी के पास नोट से तो बता दो। नहीं बचा ना, बस यही है। अरे मेन सबसे ज्यादा यही यूज होंगे, ये कभी यूज आज तक तो हुए नहीं। एग्जामिनर का मन करे भाई कर ले यूज, हमने तो पढ़ ली एक बार। ठीक लिख लो, आगे बढ़ जाए क्या? लिख लिया क्या भाई सभी ने? नेक्स्ट अब क्या पढ़ेंगे? अब क्या पढ़ेंगे? रूल्स फॉर आईयूपीएससी ना। नेक्स्ट हेडिंग लिखो रूल्स फॉर आईयूपीएससी, रूल्स फॉर आईयूपीएससी। इसमें मेजर दो रूल है, कौन सा भाई? सबसे पहले तो हम क्या करते हैं, जो हमें कंपाउंड दिया जाएगा यूपीएससी नेम लिखने के लिए उसमें प्रिंसिपल कार्बन चेन को सिलेक्ट करेंगे, फिर दूसरा रूल उस प्रिंसिपल कार्बन चेन की नंबरिंग करेंगे, फिर उसके बाद नेम लिखा जाता है। ठीक करें फिर स्टार्ट। तो पहला लिखो, सबसे पहले लिख लो कौन सा है, इसके आगे लिख दूं क्या? रूल्स फॉर आईयूपीएससी, फर्स्ट इज सिलेक्शन ऑफ प्रिंसिपल कार्बन चेन एंड सेकंड इज नंबरिंग ऑफ प्रिंसिपल कार्बन चेन। और मैं बार बार पीसीसी लिख रहा हूं, इसका मतलब समझ रहे हो ना? या लिखूं पीसीसी की फुल फॉर्म? वेरी गुड, नंबरिंग ऑफ प्रिंसिपल कार्बन चेन। अब पहली हेडिंग लिख लो, आप पहली हेडिंग लिख लो यहां से, फर्स्ट सिलेक्शन ऑफ प्रिंसिपल कार्बन चेन, सिलेक्शन ऑफ प्रिंसिपल कार्बन चेन। अब प्रिंसिपल कार्बन चेन कैसे सिलेक्ट की जाती है, कोई बताएगा? प्रिंसिपल कार्बन चेन विल बी दैट लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस चेन ऑफ कार्बन विच हैव, सबसे पहले क्या उसमें प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप होना चाहिए, सबसे पहली प्रायोरिटी इसकी है, प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप है या नहीं है। नेक्स्ट चेक करो मैक्सिमम नंबर ऑफ मल्टीपल बॉन्ड, ऐसी चेन सिलेक्ट करेंगे जिसमें ज्यादा से ज्यादा मल्टीपल बॉन्ड है। और फिर तीसरा नंबर मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन, और चौथा नंबर मैक्सिमम नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट। और आप पता क्या करते हो, पेपर में देखते ही लंबी चेन कौन सी है, तीसरी प्रायोरिटी चेक करते हो। सबसे बड़ी गलती बच्चों की आईयूपीएससी में, सबसे बड़ी और सबसे पहली गलती है बच्चों की, कभी भी आपको लॉन्गेस्ट चेन की तरफ नहीं भागना है। सबसे पहले देखो क्या हमारे कंपाउंड में प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप है, अगर है तो उसको या जिस कार्बन से वो जुड़ा है उसको इंक्लूड करते हुए हमें चेन को सिलेक्ट करना है। पहले उसको इंक्लूड करो, फिर दूसरा चेक करो क्या इसमें कोई मल्टीपल बॉन्ड है, अगर मल्टीपल बॉन्ड है, एक है तो उसको इंक्लूड करो भले ही चेन छोटी रह जाए, दो है तो ज्यादा, दो तीन चार पांच है तो मैक्सिमम को इंक्लूड करने की कोशिश करो, ठीक लेकिन कंटिन्यूअस बनेगी चेन। और फिर उसके बाद फिर भी डिसाइड ना हो पाए फिर मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन। और मान लीजिए दो ऐसी चेन आ जाए जिसमें आपने प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप भी ले लिया, मल्टीपल बॉन्ड भी मैक्सिमम ले लिए, फिर भी दो ऐसी चेन बन रही है, दो से ज्यादा ऐसी चेन बन रही है जिसमें नंबर ऑफ कार्बन सेम है, देन जिस चेन में सब्स्टिट्यूएंट मैक्सिमम आ रहा है दैट विल बी द प्रिंसिपल कार्बन चेन। बोलो कोई डाउट है क्या? नेक्स्ट अब इधर देखो, प्रिंसिपल कार्बन चेन विल बी दैट लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस कार्बन चेन विच हैव बोलो पहली प्रायोरिटी किसकी? एक तो मेरे पास ये मेथड, मैं इनको चार लाइन में लिखवाऊं, एक वैसा है कि जैसे मैंने अभी लिखा था वैसे लिख दूं, बोलो अभी है ना, समझ जाओगे ना? सबसे पहला प्रायोरिटी क्या चेक करोगे, प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप उसमें इंक्लूड होना चाहिए। सेकंड नंबर पे क्या चेक करोगे, मैक्सिमम मल्टीपल बॉन्ड होने चाहिए, मैक्सिमम नंबर ऑफ मल्टीपल बॉन्ड। और तीसरी प्रायोरिटी किसकी चेक करोगे, जो आप सबसे पहली चेक करते हो,
मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन, सही है ना? पहले आप यही तो चेक करते हो, हमेशा लंबी चेन की तरफ भागेंगे गलती करने के लिए, ठीक। नेक्स्ट, फिर अगर मान लीजिए दो या दो से ज्यादा चेन के पास सेम नंबर ऑफ कार्बन है, देन दैट चेन विल बी प्रिंसिपल कार्बन चेन विच हैव मैक्सिमम नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट। तो चौथा लिख दो, मैक्सिमम नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट। ये प्रायोरिटी ऑर्डर होता है। सब्स्टिट्यूएंट को एस बी लिख दूंगा बार बार शॉर्ट में, चलो यहां तो लिख देता हूं, कहीं बोलोगे ये एस बी क्या है, घर जाके डाउट आता जब क्लास में सोते हैं ना, ये एस बी लिखा तो था सर ने, क्या ले नहीं, लिख लिया भाई, आगे बढ़ जाए। अब नेक्स्ट, अब देखो सबसे पहले, अब मैं अब एक बार कॉपी पेन रख दो, चार पांच एग्जांपल कराने, इजी इजी से है, फिर बाद में लिख लेना बेसन। सबसे पहला एग्जांपल ये है, ये चेन ली मैंने, यहां पे मैंने ये सी एच टू ओ एच लगा दिया, क्या काम है हमारा? जैसे ही हमने कंपाउंड देखा, एक काम करता हूं थोड़ी सी और लंबी बना देता हूं ताकि आपका डाउट क्लियर हो जाए। सबसे पहले कौन से कार्बन को इंक्लूड करेंगे? प्रिंसिपल कार्बन को, सॉरी प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप से जो कार्बन जुड़ा है या खुद प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप में कार्बन है तो उस कार्बन को। तो इस कार्बन को लिया, अब आगे बढ़ो, अब लेफ्ट जाऊं या राइट जाऊं? राइट, क्यों? क्योंकि इसमें कोई मल्टीपल बॉन्ड नहीं है, मल्टीपल बॉन्ड नहीं है तो दूसरा नंबर क्या सिलेक्ट करेंगे? मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन। तो इधर आ रहे हैं ज्यादा कार्बन, इधर तो क्या है टोटल चार कार्बन आएंगे, इधर आएंगे तो पांच कार्बन हो जाएंगे। बोलो कोई डाउट नहीं है? नेक्स्ट, अब एक क्वेश्चन और सेम, अगर मान लीजिए इसी चेन में मैं ऐसा कर देता, ये लो कितनी लंबी खींच दो, अब बताओ सबसे पहले आपने ये सिलेक्ट किया प्रिंसिपल कार्बन जहां पे जुड़ा है, फिर उसके बाद आपने क्या देखा है? मल्टीपल को। बोलो कोई डाउट है क्या? समझ आया? अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखना, ये हो गया, इसके बाद ये ऐसा करते हैं, सी ठीक, अब बताओ क्या करेंगे? सबसे पहले आप इस कार्बन को इंक्लूड करते हुए चलोगे, अब बताओ, अब आप लेफ्ट भी आ सकते हो, अच्छा ले और बढ़ा देता हूं, अब बताओ अभी भी राइट, क्यों? क्योंकि उधर डबल बॉन्ड ज्यादा है। समझ आया या नहीं? अच्छे से पक्का? अगर मान लीजिए ऐसा हो जाता, चलो बाकी नेक्स्ट पेज पे कर लेंगे, बस बहुत है इतने एग्जांपल इस पेज पे, ठीक। बोलो कर लोगे भाई? अगर एक एक एग्जांपल करवा देता हूं, ये ऐसा हो जाए तो अगर ऐसा आ जाए तो क्या इसमें कोई मल्टीपल बॉन्ड है? है कितनी फंक्शनल ग्रुप है क्या? नहीं, मल्टीपल बॉन्ड है। सबसे पहले मल्टीपल बॉन्ड को इंक्लूड करोगे, अब हम इधर भी जा सकते हैं और नीचे भी आ सकते हैं, कौन सी चेन सिलेक्ट करें? स्ट्रेट चेन, क्योंकि ज्यादा कार्बन उसी में आएंगे। बोलो कोई डाउट? सारे डाउट क्लियर हो गए ना अभी तक? इसको लिखो फिर आगे बढ़ेंगे। लिख लिया भाई आपने सबने? आगे बढ़ जाएं, चारों एग्जांपल हो गए ना, अब नेक्स्ट एग्जांपल लिखो, अब डबल बॉन्ड वाला। देखो अगर ऐसा केस आ जाए तो बताइयो भाई कौन सी चेन सिलेक्ट करेंगे? फंक्शनल ग्रुप तो है नहीं, तो क्या करोगे? मैक्सिमम नंबर ऑफ मल्टीपल बॉन्ड, मैक्सिमम नंबर ऑफ मल्टीपल बॉन्ड इस चेन में आएंगे, ठीक। और अगर ऐसा हो जाए, मान लीजिए ये बना दिया मैंने एक एग्जांपल आपके लिए,
अब इस केस में बताओ, देखो हम क्या कर सकते हैं, नीचे भी आ सकते हैं, हम सीधे भी जा सकते हैं और इधर भी आ सकते हैं। सबसे पहले आप क्या चेक करोगे, देखो आप इस चेन में आओ, इस चेन में जाओ या इस चेन में आओ, सभी में कितने मल्टीपल बॉन्ड आ रहे हैं, दो। तो नेक्स्ट प्रायोरिटी क्या, जिसमें ज्यादा नंबर ऑफ मल्टीपल बॉन्ड होंगे। तो इस चेन में मल्टीपल बॉन्ड कितने आए, सॉरी जिसमें ज्यादा मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन होंगे। इस ये चेन देखो, दो मल्टीपल बॉन्ड के साथ कितने आ रहे हैं, छह। और इसमें कितने आ रहे हैं, इसमें छह, और इसमें कितने आ रहे हैं, सात। तो जिसमें दो मल्टीपल बॉन्ड है और सात कार्बन है वो वाली सिलेक्ट करोगे या दो मल्टीपल बॉन्ड विद सिक्स कार्बन वाली, सात कार्बन वाली सिलेक्ट करेंगे, तो ये वाली चेन सिलेक्ट होगी। समझ आया? और नीचे वाली कौन कौन बोल रहे हैं, डबल बॉन्ड वाली, गलती कर रहे हो तुम, ये तुम्हारी सेकंड गलती है कि डबल बॉन्ड देखा नहीं है, खिल जाते हो पूरे। नहीं, डबल बॉन्ड को देख के नहीं खिलना, पहली प्रायोरिटी मल्टीपल बॉन्ड देखो। अब मान लीजिए डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड में कंपैरिजन हो जाए, दोनों इक्वल मतलब इक्वल वैल्यू के साथ आ जाए, देन प्रायोरिटी विल बी गिवन टू डबल बॉन्ड। पहले ट्रिपल डबल बॉन्ड को प्रायोरिटी नहीं देनी है, यहां तो आपका नंबर ऑफ कार्बन से ही काम हो रहा है। तो अब नेक्स्ट नोट लिखो, एक इफ डबल बॉन्ड एंड ट्रिपल बॉन्ड, डीबी एंड टीबी, डीबी मीन्स डबल बॉन्ड, टीबी मीन्स ट्रिपल बॉन्ड, डबल बॉन्ड एंड ट्रिपल बॉन्ड आर इन कंपटीशन देन डबल बॉन्ड इज प्रीफर्ड, या डबल बॉन्ड गेट्स प्रायोरिटी, इज प्रीफर्ड लिख दूं क्या, इज प्रीफर्ड लिखो या गेट्स प्रायोरिटी और ट्रिपल बॉन्ड लिखूं, इज प्रीफर्ड से समझ आ जाएगा। ठीक, जैसे मैं केस लिखवा देता हूं आपको, एग्जांपल देखो पहले आप, देखो भाई आप ये वाली चेन में सबसे पहले प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप नहीं है, तीन टाइप की चेन बन रही है, एक तो सीधी, एक ये वाली और एक ये वाली। देखो सभी में क्या आ रहा है, दो डबल बॉन्ड आ रहे हैं और सभी में कार्बन काउंट करो, इसमें कितने आ रहे हैं, फिर से यही सिलेक्ट हो जाएगी क्या, फिर एक काम करो, अरे ऐसे करो, अब बताओ, अब तो इसमें अब सही है ना, अब नीचे आने पे भी साथ होंगे ना। अब देखो ये चेन दो डबल बॉन्ड, दो मल्टीपल बॉन्ड, ये वाली चेन दो मल्टीपल बॉन्ड, ये वाली भी दो मल्टीपल बॉन्ड, अब नंबर ऑफ कार्बन काउंट करो, सेवन है ना हर साइड से। ठीक, तो कौन सी सिलेक्ट की जाएगी, जिसमें डबल बॉन्ड आ रहा है, तो डबल बॉन्ड को ज्यादा प्रायोरिटी मिलेगी ओवर ट्रिपल बॉन्ड। बोलो कोई डाउट है क्या, अब थोड़ा डाउट क्लियर हुआ। नेक्स्ट, अब दो एग्जांपल और वो समझ लो फिर लिख लेना। अब जैसे मान लीजिए ये आ जाए यहां पे, ये आ गया या ये आ गया, क्या इसमें कोई प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप है, नहीं है। क्या कोई मल्टीपल बॉन्ड है, नहीं है। तो क्या करोगे, सीधा मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन काउंट करो, कौन सी चेन में आएगा, इसमें कितने आए, छह, इसमें कितने आए, चार, इसमें कितने आए, चार, इसमें कितने आए, इसमें सात, हाँ सात, और इसमें कितने आएंगे, ये इधर जाओ, ये, तो ये वाली सिलेक्ट होगी कि नहीं होगी, बोलो कोई डाउट है क्या, समझा। अब नेक्स्ट एक केस और, अब देखो कितनी चेन बन सकती, पॉसिबल चेन देखना, एक तो ये बन सकती है और एक ये इधर जा सकते हो और एक इधर भी आ सकते हो, या उधर से ऐसे आ सकते, वो तो एक ही हो गई, ये आ सकते हो ऐसे, ठीक, या ये आ सकते हो ऐसे, बताओ कौन सी सिलेक्ट करेंगे। आप सबसे पहले कार्बन चेक करो, देखो अगर इसमें आए पांच हटाओ, क्योंकि छह वाली तो सीधी यही आ रही है, और ये छह वाली आ रही है, ये भी छह वाली है,
और इधर से आओगे सिमेट्री का तो ये भी छह वाली है, और ये अगर जाओगे ये भी छह वाली है। ठीक, मान लीजिए अब छह कार्बन की हो गई ना मैक्सिमम चेन, तो अब मान लीजिए मैं स्टेट चेन को सिलेक्ट कर दूं तो सब्स्टिट्यूएंट कितने आए, एक ऊपर एक नीचे, छह कार्बन दो सब्स्टिट्यूएंट। मान लीजिए मैं इसको मान लूं यहां से ऐसे गया तो एक सब्स्टिट्यूएंट तो मिथाइल, एक ये इथाइल, एक प्रोपाइल, तीन हो गए, तो पीछे वाली फेल तीन वाली मानी जाएगी। फिर और कोशिश करो, अगर मान लीजिए मैं ये वाली चेन सेलेक्ट कर लेता हूं ऐसे, अरे सही नहीं बन रहा है, ये वाली चेन बताओ, एक दो तीन चार, छह कार्बन के साथ चार सब्स्टिट्यूएंट, तो यही मैक्सिमम नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट वाली होगी। कर लेंगे ऐसे, जल्दी से स्ट्रक्चर बनाओ फिर आगे बढ़ेंगे। कोई डाउट है किसी को ऑफलाइन ऑनलाइन में? त्रेया सिंह लास्ट एग्जांपल रिपीट कर देता हूं, लिख लिया भाई सब लोगों ने? एक और मैं लास्ट एग्जांपल रिपीट करता हूं। देखो बच्चा ये बोल रहा है कि अगर ये चेन हमने क्यों नहीं ली, देखो छह की चेन है, हम ले लेते, अगर छह की चेन हम ले लेते, इसको हटा देता हूं मैं एक बार, अगर मान लीजिए हमने ये छह की चेन ली होती तो कितने सब्स्टिट्यूएंट आते, एक तो ये आता आइसोप्रोपाइल और दूसरा ये आता आइसोप्रोपाइल, तो दो ही तो सब्स्टिट्यूएंट आते, तो इसको कैसे ले फिर? अगर मान लीजिए कोई और चेन लेते, सर ये ले लो आप, ये ले लो भाई, इसमें कितने आते, एक तो आइसोप्रोपाइल, एक इथाइल, एक मिथाइल, तीन ही सब्स्टिट्यूएंट आते, जबकि हमारी वो वाली चेन क्या कर रही थी, ये वाली चेन, ये जो हमने बनाई थी, इस वाली चेन में छह कार्बन के साथ मैक्सिमम यानी चार सब्स्टिट्यूएंट आ रहे हैं। ठीक, एक दो तीन चार, तो मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन के साथ मैक्सिमम नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट इसी में आ रहे हैं। ठीक है, आगे बढ़ जाऊं अब नेक्स्ट, देख रहे हो स्टेप वाइज एक एक स्टेप बढ़ता जा रहा है। ठीक, अब नेक्स्ट इसके बाद क्या आएगा, रूल नंबर दो क्या है, नंबरिंग ऑफ प्रिंसिपल कार्बन चेन। भाई नंबरिंग किधर से करेंगे, प्रिंसिपल कार्बन चेन में डबल बॉन्ड कहां है, फंक्शनल ग्रुप कौन से कार्बन पे है, मल्टीपल सब्स्टिट्यूएंट कहां है, ये कैसे पता चलेगा? तो हम क्या करते हैं, नंबरिंग करेंगे चेन की। आप लेफ्ट हैंड साइड से भी कर सकते हो, राइट हैंड साइड से भी कर सकते हैं। तो हमें कैसे पता चलेगा लेफ्ट हैंड साइड से करनी है राइट हैंड साइड से, इसका सबसे पहला रूल है कि हम लिस्ट लोकेंट नंबर प्रोवाइड करेंगे अकॉर्डिंग टू प्रायोरिटी, और प्रायोरिटी सबसे ज्यादा किसकी होती है, प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप की। तो सबसे लिस्ट लोकेंट नंबर दिया जाएगा किसको, प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप को। देन सेकंड नंबर पे आएगा मल्टीपल बॉन्ड, और तीसरे नंबर पे आएगा सब्स्टिट्यूएंट। तो एक बार मेरे साथ ये लाइन लिख लो फिर समझ में आ जाएगा, नंबरिंग क्या लिखेंगे, नंबरिंग है, नंबरिंग ऑफ प्रिंसिपल कार्बन चेन इज डन इन सच ए वे, इन सच ए वे, सच ए वे दैट, सच ए वे दैट लिस्ट लोकेंट नंबर, लिस्ट लोकेंट नंबर इज गिवन टू, इज गिवन टू, पहली प्रायोरिटी किसकी भाई बोलो, फर्स्ट प्रायोरिटी इज प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप, सेकंड नंबर पे चेक करोगे मल्टीपल बॉन्ड, ट्रिप, तीसरे नंबर पे सब्स्टिट्यूएंट, ये प्रायोरिटी ऑर्डर रहेगा इनका। समझ आया कि नहीं आ? एक बार ये लाइन लिख के कॉपी पेन नीचे रख दो, दो चार एग्जांपल मैं समझाऊंगा फिर आप नोट कर लेना, क्योंकि ये समझ में आ गया ना, नेमिंग लिखने में कुछ नहीं है। आईयूपीएसी में दो जगह गलती होती है, कहां पे, एक तो प्रिंसिपल कार्बन चेन के सिलेक्शन में और दूसरा उसकी नंबरिंग में, अरे एन लिखना है या इन लिखना है, टू क्लोरो थ्री ब्रोमो, ये तो सबको आता है, ओइक एसिड लिखना है, अल लिखना है, ओल लिखना है, अमाइन लिखना है, ये नहीं आता आपको,
सबको आता है, और नहीं आता तो आ जाएगा। गलती होगी सिर्फ दो जगह पे, या तो प्रिंसिपल कार्बन चेन का सिलेक्शन या नंबरिंग। और सबसे इसमें और ज्यादा चांस होते हैं नंबरिंग में गलती होने के, ठीक, क्योंकि क्वेश्चन तो ईजी आता जनरली। देखो सबसे पहले मान लीजिए ये एग्जाम्पल आ गया, नंबरिंग मैं लेफ्ट से भी कर सकता हूं और राइट से भी कर सकता हूं, तो कैसे करूंगा? मान लीजिए मैंने लेफ्ट से करके देखी 1 2 3 4, अब मैं यहां पे लिखूंगा LHS से नंबरिंग करने पे प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप कौन से नंबर पे आया? 2 पे आया। और राइट से करता तो 1 2 3 4, तो राइट हैंड साइड से कितने नंबर पे आया? 3 नंबर पे आया। लिस्ट लोकेट नंबर कहां से मिला? LHS और RHS, LHS से मिला प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप को, तो ये सही है। समझ आ? नेक्स्ट क्वेश्चन, अगर मान लीजिए ये हो जाए, क्या इसमें कोई प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप है? नहीं, तो नंबरिंग करते हो आप LHS से भी करते हो और RHS से भी करते हो, तो बताओ क्या चेक करोगे? सीधा प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप तो है नहीं, मल्टीपल बॉन्ड की पोजीशन चेक करोगे, तो मल्टीपल बॉन्ड LHS से कौन से नंबर पे आया? 3rd नंबर पे आया। और RHS से नंबरिंग करने पे कौन से नंबर पे आया? 1st नंबर पे आया। तो कौन जीत गया? RHS। तो नंबरिंग किस साइड से होगी? RHS। बोलो, कोई डाउट है क्या? इसका नेम पता क्या होगा? प्रीफिक्स इसमें कुछ लगा नहीं है, सब्स्टिट्यूएंट तो कुछ लगा ही नहीं, 4 कार्बन की चेन है, ब्यूट 1-ईन हो गया, ये नेम, ये तो लिखने, इसमें क्या लिखोगे? ब्यूटेन 2-ओल, कोई सब्स्टिट्यूएंट नहीं है, साइक्लिक है ही नहीं, तो ना प्रीफिक्स है, प्राइमरी प्रीफिक्स ना सेकेंडरी प्रीफिक्स, सीधा वर्ड रूट आएगी ब्यूट, ब्यूट कोई डबल बॉन्ड नहीं, एन और एन और फिर 2-ओल, ठीक, ई हटा दोगे क्योंकि वावल एक साथ नहीं आते, ठीक। नेक्स्ट, कितना आसान है यार, ये देखो, ये आ गया यहां पे सीएल, कोई प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप है, मल्टीपल बॉन्ड है, कोई सब्स्टिट्यूएंट है, तो सब्स्टिट्यूएंट का लिस्ट लोकेट नंबर चेक करो कौन सी साइड से आएगा, 1 2 3 4, तो 2 पे आया। और RHS से चेक करो 1 2 3 4, RHS से कौन से नंबर पे आया? 3। कौन जीत गया? लिस्ट लोकेट नंबर क्या है? 2, यानी LHS से। समझ आया कि नहीं यार? कर लोगे ऐसे? ऐसे ही और क्वेश्चन लिखवाता हूं मैं आपको। अब नेक्स्ट लेवल देखो, ये लिख दिया मैंने NH2 यहां पे, अब आप क्या बोलोगे? LHS से नंबरिंग करो प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप, कुछ बच्चे बताए क्या करते हैं, डबल बॉन्ड है सर, राइट से कर दो, करते हो आप ये गलती, ऐसे थोड़ा लिख रहा हूं मैं, जो गलतियां करते हो वही लिख रहा हूं। देखो इसकी नंबरिंग करो LHS से, कौन से नंबर पे आया? प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप 3rd नंबर। RHS से चेक करना 1 2 3 4 5 6, कौन से नंबर पे आया? 4। कौन जीत गया? LHS जीत गया। समझ गए? नहीं समझे? ईमानदारी से बताना, देखते ही किसके मन में आया था लेफ्ट से करेंगे, एक बार तो थोड़ा बहुत आया ना, बस यही दिक्कत है, एक आध बता नहीं रहे होंगे, 2-4 के तो पक्का आया होगा, ठीक। नेक्स्ट, अब नेक्स्ट देखना आप, और क्वेश्चन करते हैं, लो भाई अब चेक करते हैं, 1 2 3 4 5, और दोनों साइड से नंबरिंग करके लिख लेता हूं। अरे ये तो कोई सी डाउट, सिलेक्शन ऑफ प्रिंसिपल कार्बन चेन का डाउट नहीं है ना किसी को, अरे सीधी सीधी चेन दिख रही है यार। तो अब बताओ LHS से प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप कौन से नंबर पे आया? 3 नंबर पे आया। RHS से चेक करना 3 नंबर पे आया। क्या डिसाइड कर पाए? नहीं कर पाए। अब किससे चेक करोगे? मल्टीपल बॉन्ड। LHS से 4 नंबर पे आया और RHS से 1st नंबर पे आया, तो कौन सी नंबरिंग सही होगी? RHS वाली। समझे? नेक्स्ट, फिर इसके बाद मान लीजिए ये आ जाए, बताओ अब क्या करेंगे? देखो ये प्रिंसिपल कार्बन चेन है,
ये फंक्शनल ग्रुप लगा हुआ है 1 2 3 4 5 6 7, ये हमारी नंबरिंग हो गई LHS से, और RHS से भी कर देता हूं 1 2 3 4 5 6 7। सबसे पहले क्या चेक करोगे? प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप। देखो भाई कहां पे आया प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप, बोलना एक बार, LHS से कहां पे आया बोलो जल्दी से, 4 नंबर पे आया, और RHS से बता दो, अच्छा RHS से भी 4 पे आया, क्या डिसाइड कर पाए? नहीं कर पाए। तो नेक्स्ट प्रायोरिटी किसकी चेक करोगे? मल्टीपल बॉन्ड। मल्टीपल बॉन्ड लेफ्ट साइड से कौन से नंबर पे आया? फर्स्ट पे आया और सिक्स पे आया, 1 और 6 पे आया, और राइट हैंड साइड से 1 और 6 पे आया, क्या डिसाइड कर पाए? नहीं कर पाए। अब किसको चेक करोगे? सब्स्टिट्यूएंट। लेफ्ट हैंड साइड से कौन से नंबर पे आया? थर्ड नंबर पे आया, और राइट हैंड साइड से फिफ्थ नंबर पे आया, कौन जीता? लेफ्ट हैंड साइड। समझ गए ना क्या करना है? तो ये क्वेश्चन जो हमने लिखा ना सारे आगे, लेकिन पहला क्वेश्चन देखो कितना बेसिक से स्टार्ट किया, एक एक क्वेश्चन का लेवल बढ़ता गया है ना। अगर ऐसे सीक्वेंस में चीजें सीखोगे ना हमेशा याद रहेगी, दूसरों को भी सिखा दोगे। लिख लो जल्दी से, किसी को कोई डाउट है पूछ लो ऑफलाइन ऑनलाइन। लिख लिया क्या सभी ने? आगे बढ़ जाऊं फिर? पक्का? नेक्स्ट देखो, इसमें किसी भी क्वेश्चन में कोई डाउट है तो बोलो, नहीं है ना? देखो अगर आप खुद लिखते हो ना, मतलब घर पे मान लीजिए रिवीजन के लिए आपको क्वेश्चन लिखना है, सिर्फ ये लिख दो, सब कुछ तो आ गया इसमें। वो तो मैंने बच्चों की तरह जैसे ABCD स्टार्ट करते वैसे स्टार्ट किया है ना। ठीक, नेक्स्ट। अब सेकंड, अच्छा ये पहला पॉइंट था, ये इसको ना सब पॉइंट बना लो ऐसे 1। ठीक, सेकंड में सब पॉइंट है, 4 पॉइंट आएंगे इसमें। सेकंड पॉइंट क्या है? सेकंड पॉइंट ये है कि भाई अगर मान लीजिए एक से ज्यादा सब्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट है तो फिर कैसे डिसाइड करेंगे? देन लिस्ट लोकेंट नंबर रूल इज फॉलोड। जिस साइड से लिस्ट लोकेंट पोजिशन मिलेगी सब्स्टिट्यूएंट को, उस साइड से नंबरिंग होगी। ठीक, तो लिख लो एक और एक पॉइंट मेरे साथ साथ, इफ मोर देन 1 सब्स्टिट्यूएंट आर प्रेजेंट देन लिस्ट लोकेंट नंबर रूल इज फॉलोड। इसका मतलब समझे या नहीं? नहीं समझे ना? अभी देखो, अभी समझ में आएगा, देखना। मान लीजिए मैं यहां पे लिख देता हूं ब्रोमीन और यहां पे लिख देता हूं क्लोरीन। ठीक है, अब देखो आप क्या देखोगे, क्या लिखोगे इसमें बोलो? इसमें हम क्या करेंगे, लेफ्ट से नंबरिंग करेंगे या राइट से? बताओ कोई डायरेक्ट बताओ। लेफ्ट सीधा किस किस के दिमाग में आया कि लेफ्ट से करेंगे ब्रोमीन को देख के? तुम्हारी आदत है ना, अल्फाबेटिकली को पहले लेंगे, इसलिए ये एग्जांपल लिखा है। लेफ्ट किस किस के माइंड में आया था? ईमानदारी से आ गया था ना? ये देखो यही गलती होती है, समझे कि नहीं समझे? अब नेक्स्ट देखो, आप सबसे पहले चेक करो क्या प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप है? नहीं है। क्या मल्टीपल बॉन्ड है? नहीं है। क्या सब्स्टिट्यूएंट है? है। तो उसको कैसे चेक करेंगे? नंबरिंग करो 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, लेफ्ट से भी करी राइट से भी करी। तो LHS से देखो मल्टीपल बॉन्ड कहां आया बताइए, कहां आया? 3 और 4 पे, सॉरी सब्स्टिट्यूएंट, सॉरी सब्स्टिट्यूएंट। RHS से कहां आया बोलना? 2 और 3। तो बताओ भाई 2 और 3 लिस्ट लोकेंट नंबर है 3 और 4? 2 और 3, 2 पहले आएगा ना 3 से, तो ये सही है। कर लोगे या नहीं कर लोगे? पक्का? ऐसे ही अगर मान लीजिए ये लिख दूं, इसको नेक्स्ट में कर लेंगे, इसको यार एंड, बस एक एग्जांपल कर लो, इसमें एक एग्जांपल काफी है। ठीक है ना? नेक्स्ट, ये लिख लिया एग्जांपल सबने, एग्जांपल लिख लिया। सेकंड पॉइंट बताऊं फिर मैं, एग्जांपल बना लो जल्दी से, या जगह छोड़ दो लाइन की, बाद में बना लेना, पहले थियरी थियरी लिख लो। थर्ड पॉइंट लिखेंगे,
ये तो ठीक है। अब मान लीजिए ऐसा भी तो हो सकता है एक से ज्यादा सब्स्टिट्यूएंट है और LHS से या RHS से फ्रॉम आइदर साइड सेम पोजिशन पे आ रहे हैं, देन अल्फाबेटिकली प्रीफर्ड ग्रुप विल गेट लिस्ट लोकेट नंबर। तो लिखो मेरे साथ साथ, इफ इफ टू और मोर सब्स्टिट्यूएंट्स आर एट सेम पोजिशन फ्रॉम आइदर साइड then alphabetically preferred prefer में double F आता है क्या? ये एक F आएगा spelling में, double F एक आएगा पक्का। English अंग्रेजों की प्रीफर्ड, अल्फाबेटिकली प्रीफर्ड, मैं तो बेटिकली भी नहीं लिखा था, प्रीफर्ड सब्स्टिट्यूएंट गेट्स लिस्ट लोकेंट नंबर जिस साइड से अल्फाबेटिकली प्रीफर्ड ग्रुप को मिनिमम नंबर मिलेगा उस साइड से नंबरिंग होगी। ये मतलब है इस लाइन का। तो मैं क्वेश्चन आपके सामने लिख रहा हूं, ये देखो चेन दिख रही है, नंबरिंग कर दो सीधी 1 2 3 4, ये LHS से ये RHS से, आपको साफ साफ दिख रहा है ना कोई फंक्शनल ग्रुप है ना ही कोई मल्टीपल बॉन्ड है। तो सीधा किससे करोगे? सब्स्टिट्यूएंट से। LHS में बोलो पोजीशन क्या आ रही है सब्स्टिट्यूएंट की, 2 and 3। RHS में बोलना 2 and 3। अब दोनों की कोई सी साइड से नंबरिंग कर दो, सब्स्टिट्यूएंट की नंबरिंग सेम आ रही, अब कैसे डिसाइड करोगे? अल्फाबेटिकली। अल्फाबेटिकली प्रीफर्ड कौन सा है, क्लोरो या ब्रोमो? ब्रोमो पहले आता है, बी पहले आएगा सी से, है ना? तो ब्रोमो पहले आएगा, बी पहले आएगा ब्रोमो का क्लोरो के सी से, अल्फाबेटिकली ऑर्डर में, डिक्शनरी वाले ऑर्डर में। तो फिर क्या बोलोगे? ब्रोमो को लिस्ट लोकेंट मिलना चाहिए। लिस्ट लोकेंट नंबर कैसे मिलेगा? LHS से या RHS से? LHS से तीसरे नंबर पे ब्रोमो और LHS से दूसरे नंबर पे, तो LHS वाली नंबरिंग सही है क्योंकि ब्रोमो अल्फाबेटिकली पहले आएगा, ठीक है ना। नेक्स्ट एक क्वेश्चन और लिख दूं क्या आपकी परमिशन है? तो आप कौन हो परमिशन देने वाले? लिखूंगा, मेरा मन कर रहा है, तुम परमिशन दोगे तब मैं लिखूंगा। है मिथाइल इथाइल, कोई फंक्शनल ग्रुप नहीं, कोई मल्टीपल बॉन्ड नहीं, सब्स्टिट्यूएंट है और चेन साफ साफ दिख रही, सीधी सीधी है। तो नंबरिंग करो 1 2 3 4 5 6। LHS से देखो कितने नंबर पे आया सब्स्टिट्यूएंट, 3 and 4 पे। RHS से देखना कितने नंबर पे आया, 3 and 4। अब कौन किस साइड से करोगे? अब देखो सब्स्टिट्यूएंट कौन है, इधर है मिथाइल, ME मिथाइल, ET इथाइल होता है, ठीक। तो इथाइल पहले आएगा अल्फाबेटिकली या मिथाइल? इथाइल। तो इथाइल को लिस्ट लोकेट नंबर कौन सी साइड से मिल रहा है? RHS से। तो ये वाला सही है, ये इथाइल पहले आ रहा है यहां मिथाइल से, ठीक है ना, समझ गए ना। लिख लो इसको, ठीक। अब कौन सा रूल आएगा? चौथा रूल आएगा अपना, है ना, फोर्थ नंबर का रूल। बनाना सही, कहीं ये टेढ़ी मेढ़ी लाइनें बनाते टाइम एक दो कार्बन बीच में कम ज्यादा कर दो और घर जाके पक्का कुछ ना कुछ दिक्कत है इसमें, एक्सेप्शन होगा पक्का। जब आपको ना कोई चीज समझ में नहीं आती ना, या किसी क्वेश्चन का आंसर नहीं आता, आप उसको याद कर लेते हो और इसीलिए आपके फिर पेपर में कम मार्क्स आते हैं, क्योंकि याद की हुई चीजें हम भूल जाते हैं और भूलने से हमें कॉन्फिडेंस नहीं आता है, और जब कॉन्फिडेंस नहीं आता मार्क्स कम आते हैं। तो कोई चीज ना समझ में आए, बेझिझक अपने सब्जेक्ट टीचर से पूछो, अपने उस साथी से पूछो जिसको कुछ आता है, ठीक। आगे बढ़ जाए, नेक्स्ट फोर्थ क्या आएगा? अब मान लीजिए डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड दोनों साइड से नंबर काउंट करने पे सेम पोजीशन पे आ रहे हैं, तो डबल बॉन्ड की प्रायोरिटी ज्यादा होगी, है ना। तो लिख लो, इफ डबल बॉन्ड एंड ट्रिपल बॉन्ड, इफ डबल बॉन्ड डीबी एंड टीबी गेट्स सेम पोजीशन, गेट्स नहीं लिखे क्योंकि दो है ना ये, ठीक, एस नहीं आएगा,
गेट सेम पोजिशन. अब एक आध कह रहे हो पता नहीं क्या बोल जाता है बीच में. इफ डबल बोन एंड ट्रिपल बोन, थोड़ी सी इंग्लिश आती है उसका ज्ञान बांट रहा था. ये प्रेजेंट टेंस आता है बस मेरे को. इफ डबल बोन एंड ट्रिपल बोन गेट सेम पोजिशन फ्रॉम आइदर साइड देन डबल बोन गेट्स प्रायोरिटी ओवर ट्रिपल बोन. या ऐसे लिख लो देन, ये मत लिखो देन लिस्ट लोकेंट नंबर इज गिवन टू, क्योंकि अब उसकी बात करें ना, प्रायोरिटी की तो बात नहीं है. देन लिस्ट लोकेंट नंबर इज गिवन टू डबल बोन. कोई डाउट है किसी को? वेरी गुड. कैसे? अरे हर बार मैं अपनी तारीफ नहीं सुनना चाहता. देखो सीधी सीधी चेन दिख रही है, 1 2 3 4 LHS, LHS से मल्टीपल बॉन्ड की नंबरिंग करो, 3 आएगा, 4 कैसे आएगा गधे, तीसरा नंबर मानेगा ना या लास्ट नंबर मानेगा. तो इसको 2 and 4 क्यों लिख रहा तू? 1 and 3 राइट हैंड साइड से 1 2 3 4 1 and 3. अब प्रायोरिटी किसको दोगे? देखो आपने देखा लेफ्ट हैंड साइड से पहले मल्टीपल बोन्ड देखो, डबल बोन्ड है या ट्रिपल बोन्ड वो आंख बाद में खोलनी है जो आप सबसे पहले खोलते हो. पहले आप मल्टीपल बोन्ड मानो, डबल बोन्ड और ट्रिपल बोन्ड में कोई भेदभाव नहीं करना. कब तक? जब तक दोनों में कंपटीशन ना हो जाए, जब तक दोनों सेम पोजिशन पे ना आ जाए. अब आ गए दोनों लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड से सेम पोजिशन पे मल्टीपल बोन्ड. देखो इधर से भी मल्टीपल बोन्ड 1 and 3 पे और इधर से भी 1 and 3 पे. अब देखो कौन सा मल्टीपल बोन्ड है भाई, उधर डबल बोन्ड इधर ट्रिपल बोन्ड. तो जिधर डबल बोन्ड लिस्ट लोकेट नंबर में वो प्रायोरिटी में आएगा. तो बताओ कौन सा? LHS सही है ना, क्योंकि यहां पे डबल बोन्ड आ रहा है. ये सही है, डबल बोन्ड गेट्स प्रायोरिटी ओवर ट्रिपल बोन्ड. ठीक, एक क्वेश्चन और लिखूं. अब बताइयो किस साइड से? RHS. कोई भी डबल ट्रिपल नहीं देखेगा, पहले भेदभाव नहीं करना. पहले मैं क्या देखूंगा, मेरी क्लास में सब स्टूडेंट है, फिर ये लड़का है ये लड़की है, फिर बाद में. तो वैसे ही आपको मल्टीपल बॉन्ड में कोई भेदभाव नहीं, पहले दोनों मल्टीपल बॉन्ड है, फिर डबल और ट्रिपल, फिर बाद में चेक करना है. ठीक है, 1 2 3 4 5 6 इधर से भी कर दो, 1 2 3 4 5 6 LHS से मल्टीपल बॉन्ड कितने नंबर पे आया, RHS से कितने नंबर पे आया, चेक करो. ये 1 and 4 पे आया ना, सॉरी 2 and 5 पे, और इधर 1 and 4 से राइट हैंड साइड से 1 and 4 आएगा. तो ये जीत गया ना. ये क्वेश्चन इसलिए करवाया था ताकि तुम है ना, कई बार होता ना डबल बॉन्ड जैसे ही देखा लार गिरने लग जाती है, डबल बॉन्ड आ गया. ठीक, वो नहीं होना चाहिए. समझे कि नहीं समझे, लिख लो इसको जल्दी से. इसलिए समझाया ये क्वेश्चन, नीट में आया है, अभी करवाऊंगा. लिखो जल्दी से. थर्सडे से आइसोमेरिज्म स्टार्ट होगा. अगर कोई किसी के पास टाइम नहीं था, कोई बच्चा ऐसा आपका दोस्त है कोई खास जिसके पास टाइम नहीं था, क्लास अटेंड नहीं कर पाया, उसको बोलना भाई यूट्यूब पे लेक्चर डाल देंगे. यूट्यूब पे लेक्चर डाल रहे हैं यूपीएससी आईयूपीएससी के, आइसोमेरिज्म से ज्वाइन कर लेगा है ना. कह दे भाई बहुत रह लिया घर पे, अब पढ़ ले, बता देना है ना. हाँ कर सकते हो. डीपीपी 3 क्या 4 भी कर लेना चाहिए. आगे बढ़ जाऊं क्या? नेक्स्ट. अब क्या पढ़ेंगे? क्वेश्चन थोड़ा एक बार वो और बता दो, थोड़ी छोटी छोटी बातें लिखना चाहो लिख लेना, आपकी मर्जी है. मैं फॉर्मेलिटी पक्का करूंगा है ना, क्योंकि टाइम पास भी हो जाएगा ना, घर पे होता नहीं है मेरा. नेक्स्ट. देखो जब हम आईपीएससी नेम लिखते हैं तो आईपीएससी नेम लिखते टाइम मान लीजिए सेम टाइप के आपके सब्सटीट्यूएंट आ रहे हैं 2 3 4, तो उनके लिए हम क्या प्रीफिक्स यूज करते हैं? डाई ट्राई टेट्रा एटसेट्रा. और अगर मान लीजिए कोई कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट है
तो उस केस में हम यूज करेंगे 20 30 टेट्रा किस एटसेट्रा। और जब भी आप अल्फाबेटिकल ऑर्डर देख रहे हैं तो डाई ट्राई टेट्रा एटसेट्रा इनको अल्फाबेटिकल ऑर्डर में कंसीडर नहीं किया जाता। 20 30 टेट्रा किस है या आइसोनियो, आइसोनियो को भी आईयूपीएसी ने मान रखा है। अगर आप लिखना चाहो ना एक आध जगह आइसोनियो कहीं लिखा दिख जाए तो घबराना मत, आईयूपीएसी ने बोल रखा कि आइसोनियो कंसीडर किया जा सकता है। तो 20 30 टेट्रा किस आइसोनियो इनको अल्फाबेटिकल ऑर्डर में कंसीडर नहीं किया, इनको किया जाता है, डाई ट्राई टेट्रा को नहीं किया जाता। 20 30 टेट्रा किस आइसोनियो को अल्फाबेटिकल ऑर्डर में कंसीडर कर सकते हैं। और जब हम आईयूपीएसी नेम लिखेंगे कहीं पे कोई स्पेस नहीं आएगा, आईयूपीएसी नेम कंटिन्यूअस लिखा जाता है। बस एक बात का ध्यान रखना, अगर मान लीजिए अल्फाबेट आ रहा है और डिजिट आ रहा है, ठीक, तो अल्फाबेट और डिजिट को हाइफन से सेपरेट करेंगे, और अगर कहीं पे लगातार डिजिट आ रहे हैं तो उनको कोमा से सेपरेट करेंगे। बस इतना ध्यान रखना है। लिखें ये बातें, किसी को लिखने लिख लो, किसी को पहले से आती है मत लिखना, मैं बस अपने नोट्स बना लेता हूं, टाइम पास हो जाएगा, नेक्स्ट ईयर इनको देख देख के पढ़ा दूंगा, ठीक। पहला पॉइंट क्या है, अरे ऐसे ही पॉइंट से, पहला पॉइंट मैंने क्या बोला, इफ मोर देन वन सेम सब्स्टिट्यूएंट्स आर प्रेजेंट देन यूज प्रीफिक्स डाई ट्राई टेट्रा एटसेट्रा फोर टू थ्री फोर एंड सो ऑन, ठीक है ना। सेकेंड, इफ मोर देन वन कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट सेम कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट। अब आप कहेंगे सर ये कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट क्या होते हैं, ये आपके एनसीईआरटी में दो तीन एग्जांपल दे रखे, वो मैं करा दूंगा क्लास में आपको, ठीक है। दो तीन एग्जांपल है, वैसे एग्जाम में तो किसी में भी नहीं आया आज तक, बट एनसीईआरटी में तो मैं पढ़ा दूंगा। इफ मोर देन वन सेम कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट आर प्रेजेंट देन यूज प्रीफिक्स 20 30 टेट्राकिस एटसेट्रा 20 30 टेट्राकिस इस टाइप से 4 2 3 4 एंड सो ऑन, ठीक। दो कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट है, 20 3 है, 30 4 है टेट्राकिस इस टाइप से डाई ट्राई टेट्रा एटसेट्रा are not considered in alphabetical order, लेकिन 20 30 टेट्रा किस आइसोनियो को कंसिडर कर सकते हैं। तो ये लिखवाऊं क्या लाइन, भाई सीधी सी एक ही लाइन लिख लो, डाई ट्राई टेट्रा को यूज नहीं करते, बाकी को यूज करते, तभी तो नहीं लिखा, नहीं समझे, ठीक। और एनसीईआरटी में कहीं कहीं कर भी नहीं रखा उसने, तो एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग लिख लेंगे जो होगा, ठीक। अभी तो बस आप ये लिख लो, डाई ट्राई टेट्रा को यूज नहीं करते अल्फाबेटिकल में, ये पक्का है, ठीक। 20 30 के बारे में ज्यादा क्लैरिटी नहीं है एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग। अब नेक्स्ट देखो, अब क्या करेंगे वो मैं कल कर लेंगे एग्जाम्पल में, जैसे भी होगा ना, आगे बढ़ जाऊं। अब नेक्स्ट क्या आएगा बोलो, देर इज नो स्पेस इन आईयूपीएसी नेम, आईयूपीएसी नेम में कोई स्पेस नहीं होता। नेक्स्ट, इसके बाद अल्फाबेट एंड डिजिट आर सेपरेटेड बाई हाइफन हाइफन मीन्स डैश, हाइफन में ई आएगा या ए आएगा, ई आएगा, स्पेलिंग में पूछ रहा हूं, सही है, ओ बता दिया भाई, ई आता है क्या, चलो। नेक्स्ट, डिजिट्स आर सेपरेटेड बाई कोमा। लो भाई बढ़िया नोट्स बन गए, नेक्स्ट ईयर क्लास से पहले यही पढ़ के आऊंगा, ठीक। चलो लिख लिया गया यार, टाइम पास 5 मिनट, बढ़िया टाइम पास हो गया अपना एक पेज पे।
अब आगे बढ़ जाए, बस यही मेथड अपना क्लास लंबी खींच ले ताकि ये दिखाऊंगा मैं बहुत ज्यादा मेहनत कर रहा हूं। ठीक, लिख लिया क्या? नेक्स्ट yes, आगे बढ़ जाए। अब देखो, अच्छा इसके बाद एक वो आएगा, जब भी डबल बॉन्ड आएगा ना, जैसे लगातार दो डबल बॉन्ड आ गए तो दो डबल बॉन्ड के लिए हम लिखेंगे डाई इन। तो जैसे मान लीजिए ब्यूटीन में है तो इसको ना हम ब्यूट टू डाई इन नहीं लिखते, ब्यूटा डाई इन लिखा जाता है। मान लीजिए पांच कार्बन की चेन होती तो पेंटा डाई इन ए आ जाता है उसके बीच में। जैसे डाई दो दो ट्रिपल बॉन्ड आ जाए डाई आइन लिखना है तो ब्यूटा डाई आइन लिखेंगे, पेंटा डाई आइन लिखेंगे, इस टाइप से। समझे कि नहीं समझे? तो ए लग जाता है जो आपने वर्ड रूट लिखी था ना उसके पीछे। वैसे कोई सेंस वाला तो है ना लिखने वाला, वो नेम में आ जाएगा आपके, या लिखवाऊं? चलो अब क्वेश्चन स्टार्ट करें भाई। वैसे देखो आज का काम तो हो गया कंप्लीट, और यही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट था जो अभी आपने पढ़ा। अब कहो तो दस एक क्वेश्चन करा दूं, करवा दूं हर क्वेश्चन की एक मिनट, आप भी ट्राई कर लेना बेशक। करोगे ट्राई? चलो फिर पहला आईयूपीएसी नेम इसका लिखना आपको, फिर दूसरा आईयूपीएसी नेम लिखेंगे आप ये वाला। ठीक है, इसके बाद ये नेम लिखो। ठीक है, इसके बाद इसका, ठीक चार तो हो गए, ये चार हो गए ना एग्जाम्पल। चलो देखो नेक्स्ट, इसके अलावा इसका लिखना एक, ये, और एक और लिखना भाई आप ट्राई करना चाहोगे या मैं लिख दूं? कितना मिनट दूं? छह क्वेश्चन है, पांच मिनट, फिर मैं दस मिनट में कैसे कराऊंगा? तीन मिनट फास्ट करो फिर। कोई किसी का डाउट है पूछ लो, ऑफलाइन एज वेल एज ऑफलाइन ऑनलाइन। ठीक है ना भाई, कोई डाउट नहीं है ना? तो चुपचाप बैठा रहा, लिखने दे, है ना? ऐसा चल रहा है क्या दिमाग में? चलो फिर ठीक है, मतलब इज्जत करते तुम मेरी। अगर छह क्वेश्चन ना हो पांच करो, पांच ना हो चार करो, चार ना हो तीन करो, तीन ना हो दो करो, दो ना हो एक तो पक्का करो, कुछ तो करो। और अगर कर लिया तो बताओ, अब मैं ट्राई करता हूं मेरे ठीक होंगे या नहीं। करें स्टार्ट? पक्का सबने ट्राई कर लिया ना? वेरी गुड। देखो सबसे पहला क्वेश्चन भाई क्या करेंगे, देखो पहले मैं आज जो आपको नेम करा रहा ना इस पेज पे, ना तो कोई फंक्शनल ग्रुप है, ना ही कोई मल्टीपल बॉन्ड है, सारी एल्केन से सीधी सीधी। तो एल्केन के केस में क्या करना है, लॉन्गेस्ट चेन सिलेक्ट करनी है। तो सबसे पहले लॉन्गेस्ट देखो, ये आएगी कि नहीं आएगी? नंबरिंग लेफ्ट से करूं या राइट से करूं? लेफ्ट से, क्यों? ताकि इसको लिस्ट लोकेंट नंबर मिल जाए। किसको? मिथाइल को। तो क्या बोलोगे? टू पे लगा मिथाइल, देखो टू और एम को हाइफन से सेपरेट किया, टू मिथाइल। अब चार कार्बन की चेन है, कोई चार कार्बन की चेन है तो ब्यूट, और कोई डबल बॉन्ड नहीं है तो एन, हो गया ना? कहीं पे कोई स्पेस नहीं आया, समझ आया कि नहीं आया? ठीक, नेक्स्ट। अब नेक्स्ट वाला देखो, नंबरिंग लेफ्ट से आएगी या राइट से? भाई चेन तो सीधी सीधी ये है,
ईमानदारी से बताना इसमें लेफ्ट से किस किसने कर दी थी, ईमानदारी से ये गलती किसने करी, किसी ने भी नहीं करी, पक्का करी होगी एक दो। आपकी मेन चेन ये हो गई, अब नंबरिंग करना आपको, लेफ्ट से करो 1 2 3 4, 3 4 पे आया लेफ्ट से, राइट से देखो सब्स्टिट्यूएंट 1 2 3 2 3 कौन सा सही है, राइट वाला, तो ऐसे नंबरिंग कर दोगे या बार बार पहले की तरह लिख के दिखाऊं, जल्दी बोलो, तो 2 क्लोरो 3 ब्रोमो, अच्छा 3 ब्रोमो पहले आएगा, वेरी गुड, क्योंकि ब्रोमो क्या है अल्फाबेटिकली प्रीफर्ड है, 2 क्लोरो 5 की चेन है तो पेंट और एन, क्योंकि डबल बॉन्ड नहीं है, ठीक। ये वाला देखो चेन सीधी सीधी दिख रही, स्ट्रेट चेन, अब नंबरिंग देखो लेफ्ट से करो 1 2 3 4 5, 2 3 5 4 पे आया, राइट से भी 2 3 4 पे आ रहा है, तो कौन सी नंबरिंग सही होगी, लेफ्ट वाली, क्यों, अल्फाबेटिकली प्रीफर्ड ब्रोमो है, तो ब्रोमो को लिस्ट नंबर किस पे मिलेगा, 2 पे, तो बताओ क्या नेम होगा इसका, 2 ब्रोमो 3 नाइट्रो नहीं आएगा क्या, 4 क्लोरो 3 नाइट्रो पेंटेन, वेरी गुड। नेक्स्ट वाला बोलो, शुभ लाभ का सतिया बना दिया ना, सतिया ही तो बोलते इसको, क्या बोलते हो तुम लोग, स्वास्तिक, हाँ उसी को, अरे बहुत शॉर्ट में बोलते हैं सतिया इसको, हरियाणा में इतने लंबे लंबे वर्ड नहीं बोलते, स्वास्तिक सतिया, ठीक। नेक्स्ट ये बताओ, अब देखो आप इसमें ना चेन कहीं से कहीं जाओ, 5 की है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, मैक्सिमम नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट, मान लीजिए आपने ये चेन सिलेक्ट कर ली, एक ऊपर सब्स्टिट्यूएंट एक नीचे, 2, अगर मान लीजिए किसी ने ये सिलेक्ट करी, ये इधर कितने आए इस चेन में बताओ, ब्रोमो आया एक, तो एक इथाइल और एक क्लोरीन के साथ, 3 आए। अब मान लीजिए मैं ये चेन सिलेक्ट कर लूं, अब बताओ कितने सब्स्टिट्यूएंट आए, 4, तो 4 वाली लेंगे ना, तो नंबरिंग देखो ऊपर से करो 1 2 3 4, 2 पे आया क्लोरो और 3 डाइथाइल और 4 पे आया ब्रोमो, सही है क्या ये, नहीं, नीचे से करेंगे ताकि अल्फाबेटिकली पहले मिले, क्योंकि सिमेट्रिक नंबरिंग हो रही है, तो अब बोलो सबसे पहले 3 डाइथाइल 2 ब्रोमो 3 डाइथाइल, मत लिखना कहीं, लिख दो 3 डाइथाइल 3 3, 2 बार लिख के दिखाना पड़ेगा, 4, अच्छा थैंक यू, 4 क्लोरो पहले आएगा, जाग रहे हो, मतलब 3 3 डाइ इथाइल पेंटेन, समझ आया नहीं यार। नेक्स्ट ये वाला देखो, कौन सी चेन सिलेक्ट होगी भाई, इसमें कोई सारे एल्केन है, मतलब कार्बन कार्बन ओनली, ये वाली सिलेक्ट करी, 6 सारी चेन 6 की बनी, वही कैसे है, अरे वही कैसे है, देखो और इसी में आएंगे मैक्सिमम सब्स्टिट्यूएंट, 6 की चेन, और नंबरिंग कहीं से कर दो, सिमेट्रिक है, 1 2 3 4 5 6, ऊपर से करोगे तब भी यही आएगा, और ऊपर से करने पे भी 2 और 5 पे 2 मिथाइल आएंगे, और नीचे से करने पे भी, और 3 और 4 पे डाइथाइल आएगा, तो क्या नेम होगा इसका, 2 5 डाइमिथाइल, अच्छा अच्छा डाई डी को यूज नहीं करते ना, डाई इथाइल 2 5 डाइमिथाइल हेक्सेन, ठीक था आप लोगों का ये। नेक्स्ट इस वाले का बताओ, 2 इथाइल 5 मिथाइल और 2 2.5 डाइमिथाइल, अच्छा इथाइल किस किस का सब्स्टिट्यूएंट है, 2 इथाइल 2 इथाइल 5 डाइमिथाइल 5 मिथाइल हेक्सेन किसका नेम आया, कर दिया ना काम, अरे दोस्तों ये बताओ इसमें दो, अरे इसको ऐसे लिख लिया करो, जब भी ये केस आए ना, सुन लो अब, बोलने से अच्छा है अब सुन लो तुम लोग, ये है ये इथाइल और ये मिथाइल है, एक्चुअल में ये ऐसा है, अब बताओ ये चेन सिलेक्ट करोगे, अरे इसमें एक कार्बन ज्यादा है ना, तो ये चेन सिलेक्ट होगी नीचे वाली, अरे ये इथाइल वहां एक मिथाइल ही तो लगा है, अब नंबरिंग बताओ लेफ्ट से या राइट से, लेफ्ट से करूंगा 1 2 3 4 5 6 7, क्या आया, 2 पे मिथाइल और 5 पे 2 5 डाइमिथाइल हेप्टेन, ईमानदारी से बताना किस किस का सही था,
सही भी बहुत कम लोगों का है और गलत भी सिर्फ एक ने किया था। गलत किस किस ने किया था? हाँ अब ठीक है, अब अच्छा लगा। बता, टीचर को ना क्लास में एक ही चीज से खुशी मिलती है, बच्चों से इजी क्वेश्चन गलत करा के। क्वेश्चन भी गलत करवाना है और वो भी इजी वाला। टफ क्वेश्चन गलत करा के मजा नहीं आता, इजी क्वेश्चन गलत करो तब मजा आता है। हुआ ना गलत, मुझे मजा आया, मेरी आत्मा को खुशी मिली। लिखो जल्दी से, ऑनलाइन वाले तो सारे सही करे बैठे हैं भाई, वेरी गुड। देखो जैसा आप सोचते हैं ना वैसा ही आप बोलते हैं, ठीक। बेईमानी दिमाग से निकल के मुंह तक आती है। अब तू बोल रहा ऑनलाइन वाले, अरे ऑनलाइन वाले तो यहां भी यस सर नो सर कर रहे हैं, तू कर रहा है? तो मुझे पूरा विश्वास है कि ये सही बता रहे हो। बोला ऑनलाइन वाले कौन सा चेक कौन कर रहा है उनका, चेक तो मैं तेरा भी नहीं कर रहा। ऐसे तूने हाथ उठाया हुआ, मुझे क्या पता तेरे 6 के 6 सही है, मैं कौन सा 1-1 का चेक कर रहा हूं। कोई डाउट तो नहीं है ना भाई? चलो आगे बढ़ जाऊं, नेक्स्ट और क्वेश्चन करें फास्ट, 4-5 क्वेश्चन और कर लेते हैं। देखो ये हमने सिंपल सिंगल बॉन्ड वाले कर लिए, एल्केन वाले, अब मल्टीपल बॉन्ड वाले करते हैं, फंक्शनल ग्रुप वाले कल करेंगे, ठीक। सीधा कॉन्सेप्ट क्लियर है, आज ओनली ये वाले करेंगे। ये बताओ भाई, सीधा दो मल्टीपल बॉन्ड है, अरे नंबरिंग लेफ्ट से या राइट से? अभी तो लिखवा था यार, 1, 2, 3, 4 क्या है? ब्यूट, 1 पे इन, इन का ई हटा देना, वाई आइन के साथ है ना, ई हटा देते हैं इन का लास्ट वाला, और 3 आइन, सही है ना। नंबरिंग लेफ्ट से क्यों करी बताऊं? क्योंकि लेफ्ट से करो या राइट से करो मल्टीपल बॉन्ड 1-3 पे आएगा, तो जब मल्टीपल बॉन्ड 1-3 पे आ रहा है हमने क्या किया, डबल बॉन्ड को प्रायोरिटी दी, डबल बॉन्ड 1 पे जिधर से आ रहा है लेफ्ट से। नेक्स्ट एक क्वेश्चन और, CH3CH डबल बॉन्ड CH, CH2C ट्रिपल बॉन्ड CH। अब बताओ सीधी स्टेट चेन है, दो मल्टीपल बॉन्ड आ रहे हैं, अब बताओ क्या नंबरिंग कहां से करेंगे? लेफ्ट से करो, 1, 2, 3, 4, 5, 2 और 5 पे डबल बॉन्ड मल्टीपल बॉन्ड आया, राइट से 1, 2, 3, 4, 1 और 4 पे आ, कौन सी सही है? राइट वाली 1, 2। अदिति समझ में आ रहा है नहीं आ रहा? वेरी गुड, ये क्या होगा इसका नेम? हेक्स 4-in-1-ion। वैसे 1 अगर नहीं भी लिखोगे ना तब भी चलेगा, 1 को हम चाहे तो स्किप कर सकते हैं, दिखाने की जरूरत नहीं होती 1 को, अंडरस्टूड होता कि 1 पे ही होगा। अगर मान लो मैं 1 नहीं लिखू ना बीच में, सीधा इन आइन लिख दू तब भी सही है, ठीक है ना। नेक्स्ट, अब इसका बताना आप लोग, ये वाला बताओ भाई, इसका नेम लिखो फास्ट, क्या आएगा? है 2-ethyl, देखो मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो, पहली बात तो ये डिसाइड करो कि चेन ये वाली होगी, लंबी के चक्कर में मत पड़ो, समझ आया? क्यों? क्योंकि मल्टीपल बॉन्ड इंक्लूड करने हैं। नंबरिंग इधर से करो, 1, 2, 3, 1-3 पे आया, इधर से 1, 2, 3, 1-3 पे मल्टीपल बॉन्ड आ, अब दोनों ही डबल बॉन्ड है, किस साइड से करें? अल्फाबेटिकली प्रीफर्ड ग्रुप सब्स्टिट्यूएंट, देखो सब्स्टिट्यूएंट भी दोनों साइड से 2-3 पे आ रहा है, तो एक साइड मिथाइल एक साइड इथाइल, तो इससे इस तरफ से नंबरिंग हो, 1, 2, 3, 4, क्या आएगा? 2-ethyl-3-methyl ब्यूट, ब्यूट नहीं ब्यूटा, 1, कितने पे? 1 और 3 पे डाई इन, किस किस का सही था? ये तीनों क्वेश्चन किस किस के सही हो गए? 3 में से 2, चलो ठीक। अब देखो ये क्वेश्चन आईआईटी एडवांस ने पूछा, ये नीट ने पूछा, ये क्वेश्चन भी नीट ने पूछा। अब देखो एग्जाम का क्वेश्चन कितना इजी होता है, 6 फंक्शनल ग्रुप लगा दो, मल्टीपल बॉन्ड बना दो, कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट लगा दो, एग्जामिनर ऐसा नहीं करता है। देखना आपके सामने एग्जाम के क्वेश्चन है, ये देखो कितना बढ़िया क्वेश्चन है, चेन सिलेक्ट करने में गलती करवा सकता है एग्जामिनर, फिर आपसे नंबरिंग में भी गलती करवाने का चांस रखता है, मिथाइल की करेगा या इथाइल की करेगा, गधे
ऐसे बोल गए, ठीक। नेक्स्ट, अब देखो क्या बोल रहे हो, मेरी समझ से बाहर है, हाई लेवल की बातें कर रहे हो, हाई लेवल की घटिया बातें कर रहे हो ना, एक सेकंड रुक जाओ, ये क्वेश्चन करो बाप, बताओ क्या आएगा। सीधी सीधी स्ट्रेट चेन क्या हो गई, प्रिंसिपल कार्बन चेन, नंबरिंग लेफ्ट से और राइट से, राइट से करी, राइट से या लेफ्ट से, राइट से, क्यों, क्योंकि देखो सब्स्टिट्यूएंट भाई फंक्शनल ग्रुप तो सॉरी मल्टीपल बॉन्ड तो क्या है, इधर से ही वन और फाइव पे, इधर से ही वन और फाइव पे है भी डबल बॉन्ड ही, तो फिर क्या चेक करेंगे, सब्स्टिट्यूएंट इधर से भी टू थ्री पे और नहीं सॉरी थ्री फोर पे, इधर से भी थ्री फोर पे, फिर अल्फाबेटिकली किधर से पहले आएगा, राइट हैंड साइड से, बताऊंगे एक एक पॉइंट दोबारा लिख के बताऊं, चलो अच्छी बात है, मेरा टाइम बचा दिया तुम लोगों ने, क्या आएगा बोलो, थ्री ब्रोमो फोर क्लोरो हेक्सा 1.5 डाइईन, बोलो कोई डाउट है क्या। एक क्वेश्चन और कराऊं, ये देखो ऐसा, अब बताओ इसका कैसे करेंगे, और तब तक मैं एक और लिख दूं क्या, CH2 डबल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2 सी ट्रिपल बॉन्ड CH, बताओ भाई पहले ऊपर वाला बताओ कैसे करेंगे, स्टेट चेन बोलो बोलो, वो तो अरे स्टेट चेन का सबको ही पता है, मल्टीपल बॉन्ड दोनों ही इंक्लूड करने हैं, नंबरिंग बताओ लेफ्ट से या राइट से, राइट से, अब तुमने पता क्या देखा, मिथाइल से पहले इथाइल देखा तुमने, अरे भाई एक बात बताओ, मल्टीपल बॉन्ड आपने सिलेक्ट कर लिया, सिलेक्शन हो गया चेन का, नंबरिंग करो लेफ्ट से करो 1 2 3 4 5, 1 और 5 पे आया, राइट हैंड साइड से करो 1 2 3 4 5, 1 और 5 पे आया, जब मल्टीपल बॉन्ड सेम पोजीशन पे आ रहे हैं क्या चेक करते हैं, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड, डबल बॉन्ड है या ट्रिपल बॉन्ड दोनों अलग अलग है, तो डबल बॉन्ड विल गेट प्रायोरिटी ओवर ट्रिपल बॉन्ड, 1 2 3 4 5 6, अब बोलो क्या नेम होगा, अब आपने क्या देखा इथाइल पहले, अरे इथाइल पे तब जाएगा जब मल्टीपल बॉन्ड से सिलेक्ट नहीं कर पाएगा, नहीं समझे, फोर पे इथाइल, थ्री पे मिथाइल पेंट, पेंटानी पेंट, वन इन, फोर पे हेक्स है क्या, तो एक गधा कौन बोल रहा है, पेंट हेक्स, वन इन, पांच आइन, ये वाला देख लो इसमें क्या होगा, अब पहले चेन सिलेक्ट करो कौन सी, सीधी स्टेट वाली, क्यों, क्योंकि इधर भी दो मल्टीपल बॉन्ड आ रहे हैं, इधर भी दो, तो मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन वाली सिलेक्ट करेंगे ना, और उसकी नंबरिंग कैसे करेंगे, नंबरिंग लेफ्ट से या राइट से, भाई ये हो गई चेन तो मेन, नंबरिंग लेफ्ट से और राइट से, लेफ्ट से, क्योंकि दोनों साइड से सेम पोजीशन आएगी तो डबल बॉन्ड विल गेट प्रायोरिटी ओवर ट्रिपल बॉन्ड, अब देखो थ्री पे ये क्या लगा है, थ्री इथिनाइल, इथिनाइल, इथिन का ई हटा के वाई एल, इथिनाइल, फिर हेक्स, वन इन और फाइव आइन, कोई डाउट, इसको ना इथिनाइल को विनाइल भी बोल देते हैं, बोलो कोई डाउट है क्या। अच्छा एक बात पूछता हूं मैं आपसे, बस एक सेकंड रुकना, अगर यहां पे ट्रिपल बॉन्ड होता तो ये हो जाता इथाइनाइल, क्या हो जाता इथाइनाइल, अलग एग्जांपल लिखवाऊं क्या, क्या मतलब है, इथाइन का वैलेंसी फ्री करो, इथाइनाइल लिखवाया था ना, लिखवाऊं, आएंगे नहीं इतने, अरे भाई एग्जामिनर तो यहीं तक थक जाएगा, ये लास्ट है, ये अंत है इस पैटर्न में क्वेश्चन का, उधर तक नहीं जाएगा, वो तो मैंने एक्स्ट्रा करवा दी तुम्हारा दिमाग चेक करने के लिए, लिख लो जल्दी से, हो गया भाई, लिख लिया भाई सबने, एक बार लास्ट वाला समझा देता हूं, देखो
लास्ट वाले में मैं ये चेन सिलेक्ट कर सकता हूं, ये भी कर सकता हूं और इधर से भी कर सकता हूं। आप किधर से ही करो, किधर से ही करो, कोई भी चेन सिलेक्ट करो, दो मल्टीपल बॉन्ड आ रहे हैं तो मुझे क्या करना है, लॉन्गेस्ट चेन आप या तो ये सिलेक्ट कर लो, है ना, या ये सिलेक्ट कर लो, बात एक जैसी ये दोनों दो। अरे इधर से नंबर ये ले, अभी भी वही होगा, समझा कि नहीं समझा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो मैंने सीधी ये चेन मान ली, अब नंबरिंग कर, LHS से करेगा, 1 और 5 पे मल्टीपल बॉन्ड आएगा, RHS से करके देख, 1 और 5 पे आएगा, तो प्रायोरिटी किसको, डबल बॉन्ड को, डबल बॉन्ड लेफ्ट से आएगा 1 नंबर पे, लिख दिया। अब थर्ड पोजिशन पे ये जो ग्रुप लगा ना, ये इथाइल नहीं, अब ये इथेन की वैलेंसी फ्री करी है, इथेन की वैलेंसी करेंगे, वैलेंसी फ्री करेंगे इथेन की, लास्ट का ई हटा के YL, समझा था ना, इथिनाइल हो जाएगा। और इसको ना आईपीएससी विनाइल को भी मानता है, विनाइल और अलाइल ये आईपीएससी ने कंसीडर कर रखे हैं, वो भी लिखा जा सकता है, ठीक है। लो भाई घर जाके ये नहीं हो जाए कि ये बीच में ऐसे बना के क्या लिख दिया, और थ्री विनाइल हेक्स 1 in 5y, कहीं सोचो कि ये विनाइल येलो से क्यों लिख दिया, क्या विनाइल विनाइल याद करना, इसका नहीं, येलो से इंपॉर्टेंट होता है, ठीक। लिखा भाई, रिवीजन फास्ट, देखो भाई आईयूपीएसी नेमिंग, आईयूपीएसी की फुल फॉर्म है इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, 1919 में आया था ये। आईयूपीएसी नेम के 3 पार्ट होते हैं, प्रीफिक्स पहले लिखा जाता है, वर्ड रूट, देन सफिक्स, जैसे मिस्टर सुनील नैन, मिस्टर प्रीफिक्स, सुनील वर्ड रूट, नैन सफिक्स। अब यहां पे आईयूपीएसी में प्रीफिक्स भी दो दो होते हैं, प्राइमरी प्रीफिक्स, सेकेंडरी प्रीफिक्स, और सफिक्स भी दो है, प्राइमरी एंड सेकेंडरी। तो इनको लिखेंगे कैसे, लिखते टाइम सबसे पहले सेकेंडरी प्रीफिक्स लिखा जाता है, देन प्राइमरी प्रीफिक्स, फिर वर्ड रूट, देन प्राइमरी सफिक्स, और लास्ट में सेकेंडरी सफिक्स। सेकेंडरी सफिक्स क्या, प्रीफिक्स क्या होता है, सब्स्टिट्यूएंट के लिए यूज किया जाता है, सब्स्टिट्यूएंट आर रिटन इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर। प्राइमरी प्रीफिक्स साइक्लिक कंपाउंड के लिए यूज किया जाता है, और साइक्लिक कंपाउंड के लिए प्रीफिक्स होता है साइक्लो। वर्ड रूट हमें बताया कितने कार्बन है टोटल प्रिंसिपल कार्बन चेन में, 1 कार्बन मिथ, 2 कार्बन ई, 3 कार्बन प्रोप, 4 ब्यूट, 5 पेंट, 6 हेक्स, 7 हेप, ऐसे कर लोगे ना, हेप सॉरी, 8 ओक 9 नॉन 10 डेक, अनडेक 11 का 12 का 2 डेक, और 20 का आईकोस्ट, 30 का ट्राइकोन। नेक्स्ट प्राइमरी सफिक्स क्या बताता है, कि कंपाउंड आपका सैचुरेटेड है या अनसैचुरेटेड। एक सिंगल बॉन्ड के लिए एन, डबल बॉन्ड के लिए इन, ट्रिपल बॉन्ड के लिए आइन, 2 डबल बॉन्ड है डाई इन, 2 ट्रिपल बॉन्ड है डाई, 3 के लिए ट्राई इन, 2 डबल बॉन्ड के लिए डाई आइन, और डबल और ट्रिपल इन आइन। सेकेंडरी सफिक्स बताएगा प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप के बारे में, CWH है ओइक एसिड, CHO है अल, और OH है ओल, कर लोगे ऐसे। अब प्रायोरिटी ऑर्डर, यहां पे जो टेबल मैंने बनाई है, ब्रैकेट में अगर कार्बन, इसका मतलब है वो प्रिंसिपल कार्बन चेन में इंक्लूड है, और ब्रैकेट में नहीं है तो इसका मतलब कार्बन चेन में इंक्लूड नहीं है। तो इस टेबल को याद करने की बजाय बेटर ये है कि आप ओनली इसका सीक्वेंस याद कर लो, बाकी प्रीफिक्स क्या हो गए, सफिक्स क्या हो गए, वो आपको धीरे धीरे याद हो जाएंगे। क्या है टेबल को कैसे याद करते हैं, सबसे पहली प्रायोरिटी CWH एसिड, देन SO3H, देन एनहाइड्राइड, फिर उसके बाद एस्टर, 4 याद हो गए। अब नेक्स्ट 4 इसके बाद, 5वें नंबर में कौन आएगा, एसिड हैलाइड, अमाइड, साइनाइड, आइसोसाइनाइड, देन उसके बाद अगले 5 एल्डिहाइड, कीटोन, एल्कोहल, थायल्कोहल और अमाइन, बस कर लोगे ऐसे, बाकी ये याद हो जाएंगे, इनकी टेंशन मत लो, है ना, कि कैसे याद करना टेबल को। नेक्स्ट आ जाओ सब्स्टिट्यूएंट में, ये मिथाइल, इथाइल, हेलो, नाइट्रो, ये याद हो जाएंगे आपको, ये मिथॉक्सी, ये इथॉक्सी, बाकी जो ये मैंने 2 नहीं बोले याद नहीं करने, और ये क्लोरो मिथाइल, अमीनो मिथाइल, ये कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट है, ये नहीं आते आपके, ठीक, कोचिंग वाले पूछते रहते हैं। नेक्स्ट रूल्स फॉर आईयूपीएसी, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, देखो आईयूपीएसी नेम आपका कभी भी नेम लिखते टाइम गलत नहीं होता, वो आपका सिलेक्शन ऑफ प्रिंसिपल कार्बन चेन या नंबरिंग ऑफ प्रिंसिपल कार्बन चेन में रॉन्ग होता है। तो क्या ध्यान रखना है, सिलेक्शन ऑफ प्रिंसिपल कार्बन चेन जब आप सिलेक्ट करेंगे, देन प्रायोरिटी सबसे ज्यादा किसकी होगी, प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप को इंक्लूड करना है, कार्बन कंटेनिंग है तो उसको, और कार्बन कंटेनिंग नहीं है तो जिस कार्बन से वो जुड़ा है वो प्रिंसिपल कार्बन चेन में आना चाहिए। सेकंड प्रायोरिटी किसकी है, मैक्सिमम नंबर ऑफ मल्टीपल बॉन्ड आपके प्रिंसिपल कार्बन चेन में होने चाहिए। थर्ड प्रायोरिटी मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन होने चाहिए, और अगर एक से ज्यादा चेन ऐसी आ रही है जिनमें सेम नंबर ऑफ कार्बन है, देन मैक्सिमम नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट वाली चेन क्या होगी, प्रिंसिपल कार्बन चेन हो जाएगी। तो ये तो हो गया आपका प्रिंसिपल ऑफ
सॉरी सिलेक्शन ऑफ प्रिंसिपल कार्बन चेन कर लोगे ऐसे सिलेक्ट, ये एग्जांपल हमने किए हैं। देन इसके बाद अब देखो, अगर मान लीजिए डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड कंपटीशन हो जाए उनमें, तो डबल बॉन्ड को प्रेफरेंस दी जाती है, ठीक। नेक्स्ट इसके बाद है नंबरिंग ऑफ प्रिंसिपल कार्बन चेन। नंबरिंग करते टाइम लिस्ट लोकेंट नंबर विल बी गिवन टू पहले प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप, सेकंड प्रायोरिटी मल्टीपल बॉन्ड की, तीसरी प्रायोरिटी सब्स्टिट्यूएंट की। उसके बाद क्या आएगा नेक्स्ट, अगर एक से ज्यादा सब्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट है लिस्ट लोकेंट नंबर रूल फॉलो किया जाएगा, ठीक। जिस साइड से लोवेस्ट नंबर मिल रहा होगा उसको उस साइड से नंबरिंग होगी। और अगर मान लीजिए एक से ज्यादा सेम सब्स्टिट्यूएंट है तो, एक से ज्यादा सब्स्टिट्यूएंट है तो सेम पोजिशन पे है फ्रॉम आइदर साइड, देन अल्फाबेटिकली प्रीफर्ड ग्रुप विल गेट्स प्रायोरिटी। नेक्स्ट क्या है, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड सेम पोजिशन पे आ जाए किसी भी साइड से तो क्या बोलेंगे, डबल बॉन्ड इज प्रीफर्ड, ठीक। नेक्स्ट ये मैंने वो बताया है, अगर सेम सब्स्टिट्यूएंट है उनके लिए डाई ट्राई टेट्रा यूज करेंगे, कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट्स के लिए बीस ट्रिस टेट्रा किसी यूज करते हैं, डाई ट्राई को कभी अल्फाबेटिकल ऑर्डर में कंसिडर नहीं किया जाता है, आईयूपीएसी नेम में कभी स्पेस नहीं आता है, अल्फाबेट डिजिट को हाइफन से और डिजिट को कॉमा से सेपरेट करेंगे, फिर ये नेम है, ये तो बिल्कुल इजी नेम है, कर लोगे या नहीं कर लोगे। इसमें अगर आपको कोई ऐसा लगता है दोबारा मुझे रिपीट करना चाहिए क्योंकि बहुत आसान है, बताओ। नेक्स्ट ये वाले लगभग आईपीएससी का अगर क्वेश्चन आता ना, ऑलमोस्ट तुम्हारा आधा सिलेबस हो गया, समझे। कल हम फंक्शनल ग्रुप वाले कर लेंगे, फिर साइक्लिक वाले करेंगे वो लास्ट लेक्चर में, ठीक है भाई, थैंक यू।